बातों में समझाने, किरणों किरणों पाओ धरती आसमां से नीचे उतरी एक नई सुबह, देखकर नई सुबह एक नई सुंदर भी अगर हो दरमियान, मिलता है मिलने का कोई रास्ता, मालूम भी ना हो कि है ये क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद एक नई सुबह में। इसी दुआ और उम्मीद के साथ आप जहाँ कहीं हैं ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। वही बड़ी पुरानी कहावत है, सुना है हमने, लोगों ने, बड़ों ने, हमेशा बुजुर्गों ने बताया है, हम सुनते हैं, हमें लगता है यार हो गई कोई बात। और वो बात यह है कि जब भी सफ़र में जाएँ ना तो दो चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? आप सफ़र पर जा रहे हैं, दो चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्या? अब इनको नहीं बताना बिल्कुल, लेकिन एक मैंने सुना हुआ है कि साथी अच्छा होना चाहिए, जिसके साथ आप सफर इख्तियार कर रहे हैं वो बंदा अच्छा होना चाहिए, बंदी अच्छी होनी चाहिए, दोस्त है, बहन भाई है। अच्छे का मतलब ये है कि वो कॉपरेट करने वाला हो, आपके साथ चलने वाला हो। और ये तो हमें वैसे भी पता है कि एक मरतबा एक मुकदमे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और बहुत सारी जगहों पे लोग ये कहते हैं कि हज़रत उमर के सामने एक शख्स पेश हुआ और उसकी जो है ना गवाही उसने दी दूसरे शख्स की। तो आपने पूछा कि तुम इसको जानते हो? उसने कहा हाँ जी मैं जानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुमने इसके साथ कभी सफ़र किया? उसने कहा नहीं। तुम इसकी हमसायगी में कभी रहे हो? कहा नहीं। कहा तुमने कभी इसके साथ पैसे का लेन देन किया? उसने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा फिर तुम नहीं जानते इस शख्स को। सो ये ऐसे मामलात हैं, सफ़र उन मामलात में, सिर्फ किसी भी इंसान के साथ आप ट्रेवल करते हैं ना तो आपको उस इंसान की तबीयत का, नेचर का, वो कितना केयरिंग है, कितना सेल्फिश है, कितना अपने बारे में सोचता है, कितना ज़रा खुले दिल का, खुले जहन का मालिक है, कितना चीज़ों को वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, कैसे लेता है। सो ये सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाती हैं। एनी वे, एक हो गया साथी, दूसरा हो गया जूता। और यकीन करें, जूते की, एक अच्छे जूते की अहमियत को अंडरमाइन नहीं किया जा सकता। मैं एक दफ़ा, हम सफ़र कर रहे थे और यूरोप के ट्रिप पे थे और फैमिली ने, हम सब ने प्लान किया कि हम लोग निकलेंगे और हम वहाँ जाएंगे और वहाँ जाएंगे, अब चार दिन वहाँ स्टे या तीन दिन वहाँ आए और दो दिन वहाँ आए। तो अब उसमें हुआ ये कि मैंने और मेरी बहन ने जाकर, और हमें एक बहुत खूबसूरत सा जूता वहाँ पर लगा, अपनी तरफ से बड़ा वॉकिंग शूज़ लिए कि बड़े हमने चलना फिरना है तो हमने ये जूते हमें चाहिए, जॉगर्स नहीं पहनने। तो हमने बड़े मज़े के वॉकिंग शूज़ ले लिए। अब वॉकिंग शूज़ जो है वो लेकर हमने ट्रैवल करना शुरू किया। आप यकीन करें कि मुझे आज तक जर्मनी का एयरपोर्ट नहीं भूलता, और मुझे नहीं लगता कि मुझे अपनी रहती ज़िंदगी तक वो भूलने वाला है, इसलिए कि पूरे के पूरे एयरपोर्ट में हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम जूतों का क्या करें। फिर तंग आकर हमने जूते हाथों में पकड़ लिए थे क्योंकि वो जूते पहन के वो उनका चलना मुमकिन नहीं था। वो थोड़ी देर तक तो बहुत खूबसूरत लगे, थोड़ी देर तक तो बहुत अच्छे लगे, लेकिन जब उन्होंने काटना शुरू किया, जब उन्होंने तंग करना शुरू किया तो वो बहुत लंबा ट्रैवल था, आप समझ नहीं आ रहा था कि अब आप इसमें जाएं कहाँ। सो आप भी ज़िंदगी के सफ़र में अगर चलना हो, ख़ासतौर पर मेरे सामने बहुत प्यारी प्यारी सी बच्चियाँ ऑडियंस में बैठी हुई हैं और मुझे यकीन है बहुत सारे लोग मुझे घर में अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो एक अच्छे इंसान पे इतमाद करना और एक अच्छे साथी का इंतखाब करना बहुत ज़रूरी है। और उसी तरह से छोटे छोटे गैजेट्स जिन्हें हम गैर अहम समझते हैं, मामूली समझते हैं, बहुत अहम है। आपने अगर अच्छा कंफर्टेबल आरामदेह सफ़र गुजारना है या काम करना है या दिन भर भाग दौड़ करनी है तो एक अच्छा जूता जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीवे, ये बात तो मेरे जहन में इस तरह से आई कि मुझे लगा कि यार ये एक चीज़ मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। लेकिन आज की अपनी मेहमान की तरफ चलूँगी और आज की मेरी मेहमान जो है उनका ताल्लुक हमारे दिलों से है, इसलिए कि हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट आती है उन्हें देखकर, क्या कैरेक्टर परफॉर्म करती हैं वो। जब ख्वातीन की बात होती है ना और विमेन एक्टर की, तो उसमें बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इतना कमाल किस्म की कॉमेडी परफॉर्म कर सकते हैं, जो एक्शन कॉमेडी भी हो, जो डायलॉग कॉमेडी भी हो, और जो उसके साथ साथ एक कॉमेडी ऑफ, जिसे कहते हैं ना, आपकी रिस्पॉन्स एंड रिएक्शंस और एक्सप्रेशन, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इकट्ठा होना ख्वातीन में बहुत कम है। बहुत कम ख्वातीन ऐसी गुजरी हैं जो कि बहुत अच्छी कॉमेडियन रही हैं पाकिस्तान में ख़ास तौर पर, लेकिन ये उनमें से एक है और इनके कुछ कैरेक्टर्स तो आपको बहुत पसंद है और आप बिल्कुल फिदा है उन पर। ख़ास तौर पर इस एज के बच्चे बच्चियाँ जो हैं ये भी उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि हमारी बहुत सारी सीनियर ऐसी एक्टर्स हैं जिनको आप जानते होंगे, लेकिन ये आजकल के बच्चों में भी बहुत पसंद है। कुछ गेस्ट कर पा रहे हैं मैं किसके बारे में कह रही हूँ? हाँ, क्या नाम है?
कौन वो कौन है? कौन ऊंचा बोलेगा? मोमो। बिल्कुल सही आपने गेस किया जनाब, हमारी आज की मेहमान है हिना दिलपजीर। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी मेहमान की तरफ चलूं, मुझे एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम उनसे मिल सकेंगे। हाँ जी, मोमो की तरह चल के दिखाएं, चले। ये मोमो की तरह है कि 23 मार्च की परेड हो रही है? मोमो भी कुछ ऐसे करती है। अच्छा, कैसे दोबारा करके दिखाओ जरा, कैसे करती है? अच्छा बिल्कुल सही सही, मुझे लगता है कि ऐसे चल। आप आए जी, अच्छा वेरी गुड, आपको लगता है कि ऐसे चलती हैं। और आप अच्छा मुझे बताओ, तीनों में से किसकी वॉक जो है आपको ज्यादा नजदीक तरीन लगी है अपने फेवरेट कैरेक्टर के? हाँ, जिनका ख्याल है कि मुझे शिजा मुना नहीं ना पता, जिनका ख्याल है आपके नाम क्या? ओके, सो जिनका ख्याल है शिजा, जिनका ख्याल है हाजरा, और जिनका ख्याल है आओ नूर। क्या मतलब है, शिजा और नूर दोनों एक जैसी हैं? दोनों अच्छी हैं। चलो अब मैं ना एक मोमो रेस करवाती हूँ, ओके? सो 1 2 3 जब मैं कहूंगी तो आपने जाना है अपनी एक फ्रेंड को टच करके वापस मेरे पास आना है, तो देखेंगे कौन जल्दी जो है वो पहले कर सकती है। 1 2 3 गो। अच्छा जी, शिजा ने थोड़ी सी बीच में डंडी भी मारी है, लेकिन थैंक यू वेरी मच। ये जो है ना, बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे बच्चों। इससे पता चलता है कि आप लोग कितना अपने उस एक्टर से मोहब्बत करते हैं, वो कैरेक्टर आपको कितना अच्छा लगता है, और सबको ही बहुत अच्छा लगता है, इसमें कोई शक नहीं है। सो पूरी आवाज, पूरे जोर के साथ आपने आवाज देनी है। प्लीज वेलकम अच्छा मोमो नहीं, उनका नाम लेके बुलाए ना, प्लीज वेलकम हिना दिलपजीर। अच्छा बच्चे तो मोमो में इतनी बुरी तरह से गुम है कि आपके आने से पहले मोमो मोमो ही चल रहा था। अच्छा हाँ, तो वो तो मुझे लगता है कि आपको भी अब आदत हो गई हुई है। मोमो को आदत हो गई होगी। नहीं आपको भी होगी होगी, इतना लोग इतना एसोसिएट करते हैं इस कैरेक्टर से। हाँ बिल्कुल करते हैं, बिकॉज़ दे लाइक इट, दे लव इट। बट मुझे उसको उस कैरेक्टर से खुद को अलग रखना होता है ताकि अपनी जिंदगी डिस्टर्ब ना। हाँ बिल्कुल सही। और कैसी लाइफ है, कैसी हाउस लाइफ, क्या नया हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है? रोज ही कुछ नया होता है और मजे की जिंदगी अच्छी है, क्रिएटिव साइड पर है। और मतलब एक्टिंग यही चल रही है, मतलब कॉमेडी साइड पे जरा फन फील्ड एक्टिंग, या फिर सीरियस जो कि आप इतना अच्छा करती हैं उसको ज्यादा करें? सीरियस। और मुझे मुझे लगता है कि मैं अब आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स में शायद कॉमेडी अब ना करूं, आगे फिर कर लूंगी, जस्ट टू मुंह का मजा बदलने के लिए। अच्छा, लेकिन कॉमेडी जितना आप पे सजती है वो एक ब्लेसिंग, वो अल्लाह की मेहरबानी। अल्लाह करे सीरियस भी इतनी सजे। सच वो सजती है, मगर लोगों की पसंदीदगी की बात है ना, आपको खुद क्या अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगा है कि वो कॉमेडी एक्टिंग छोड़ देंगी, ये चीज पसंद आई है? हाँ अच्छा, आप क्या मशवरा देंगे कि उन्हें कॉमेडी करनी चाहिए या उन्हें ज्यादा सीरियस रोल्स करने चाहिए? कॉमेडी करनी चाहिए। ये तो इनकी रियलिटी है ना, मेरी रियलिटी तो ये नहीं। हाँ मुझे इफ्तिखार आरिफ साहब का एक बड़ा अच्छा शेर याद आता है कि जिंदगी इतनी गनीमत भी नहीं जिसके लिए एहदे कम ज़र्फ की हर बात गवारा कर ले। क्या बात, क्या बात।
अच्छा मोमो, कुछ अपने बारे में बताइए, मोमो के बारे में बताइए. दिस डिस्कवरी ऑफ एन आर्टिस्ट के वो एक अपना कैरेक्टर अपने अंदर एक कैरेक्टर को इन्वेंट करता है, ये कैसे हुआ था? एक्चुअली ये कैरेक्टर है ट्रिब्यूट, कुछ लोगों के लिए भी है जो जिनसे मैं शायद एक ही बार मिली होंगी, मगर वो कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल है जिसके लिए मुझे लगता था कि मुझे ये कैरेक्टर ज़रूर करना चाहिए. इसकी वॉक वगैरह सब आपने खुद? वॉक तो इसलिए आई जब वो मोटा सा चश्मा लगाया गया तो उसमें ज़मीन कभी यहाँ नज़र आती थी कभी यहाँ, तो जब चलने में थोड़ी सा डर गई थी तो यूं यूं करके चल रही थी, वो ऑटो पे बन गई है. अच्छा हाँ. वो किसी को देख के कॉपी नहीं किया आपने? नहीं नहीं, ना कॉपी की और ना किसी ने बताया. अच्छा वेरी गुड. सो देख ले, जब मैं एक चश्मा आदमी की चाल बदल देता है, बस ये देख लीजिए. ठीक है. अच्छा, और बाकी उसके जो सारा अंदाज है, एक्सप्रेशन है, बोलने का तरीका है, वो सारा मैं मेरा खुद है. मुझे किसी ने नहीं कहा कि ऐसे करो, जब मैंने वैसे किया तो अप्रिशिएट किया और हेल्प आउट किया कि हाँ ये ठीक है, मगर अगर कोई ये कहे कि इसको मैंने बनाया तो वो गलत है. अच्छा. अरे कितनी ख्वातीन आपके पास आके कहती हैं, हाय मैं बिल्कुल आपके जैसी हूँ, मैं बिल्कुल मोमो जैसी हूँ. ये तकरीबन जितनी भी ख्वातीन मुझे मिलती हैं उनमें से 80% ख्वातीन ये कहती हैं मेरे मियाँ तो मुझे मोमो कहते हैं. अच्छा. और वाकई में वो असली में मुझे लग रही होती है कि बिल्कुल मोमो. अरे देखा, लेकिन खुद नहीं कहती होंगी, मियाँ कहते होंगे कि आप मोमो जैसी हो, है ना? हाँ. क्योंकि वो मोमो एक खातून से कहने की, आपको पता है मेरे मियाँ मुझे मोमो कहते हैं? मैंने कहा वो मेरी आड़ में कहते हैं. अरे बहुत उम्दा कैरेक्टर जो है वो परफॉर्म किया. लेकिन हिना का सफर बताइए कि हिना दिलपजीत, बहुत लेट आपने क्यों टेलीविजन स्क्रीन को रौनक बख्शी? क्योंकि मेरा एक्टिंग का कोई इरादा नहीं था, ये करियर मुझे अपनाना नहीं था, मगर मसला ये होता है कि अपनी मर्जी से कहाँ ज़िंदगी चलती है, जहाँ का रुख होता है वहाँ चलती है. तो बस जो फ्लो के साथ ज़िंदगी में आता गया उसको बस ईमानदारी से करने की कोशिश की, वरना मुश्किल हो जाता है सफ़र. और कॉमेडी जो है, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, जैसे बहुत सारे लोगों का अच्छा होता है, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे खुद के लिए ज़िंदगी आसान करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है. सीरियसनेस के साथ साथ ये अंदर से जो कॉमेडी हो जाती है, मतलब आप 12 मसाले की चाट 24 घंटे कैसे बन सकते हैं? आपको सोचना भी होता है, आपको बहुत सारी नई डायमेंशंस होती हैं. वैसे भी वो कहते हैं ना, पहले आती थी हर बात पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती. तो वो ये ये एक जर्नी ऑफ जिसे कहते हैं लाइफ भी तो है ना, कि आप चेंज होते हैं, आपका मूड भी चेंज होता है, ग्रो होते हैं. और बहुत अच्छा होता है कि अल्लाह ताला की बड़ी ब्लेसिंग है कि इंसान के ग्रो करने के चांसेस हैं, वरना मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ इतनी नाइव. आई नो, जिसको भी मैं देखती हूँ, भाई तुम तो मेरे अंदर भी आदत थी, तुम अगर ऐसे करियो मेरे भी अंदर आदत थी, इसे निकाल दो. अच्छा, वो कौन सी आते हैं जो आप अभी मशवरा देंगी, वो सारी प्यारी खवातीन जो आपसे बहुत प्यार करती हैं, यार ये आते निकाल दो, बड़ी मेहरबानी. सबसे जो बड़ी बात है वो कोई भी बात सुन के किसी को जज करना, जजमेंट की अथॉरिटी हमारे पास है नहीं, अल्लाह की तरफ से नहीं है. आज सपोज आज 40 डिग्री गर्मी है तो ये तो एक फैक्ट है, मगर अगर हम ये कहें आज बहुत ही सड़ी हुई गर्मी है, ये जजमेंट है और जजमेंट अल्लाह को पसंद नहीं. ठीक है, तो सुनी सुनाई बातों पे इत्तबात ना करें. अब और सबसे पहले के खुद को पहचाने, अल्लाह ने इंसान को बहुत अमेजिंग बनाया है, जो आप सोच नहीं सकते वो आप कर सकते हैं सिर्फ फोकस होकर. ठीक है, दो बातें सुनी सुनाई बातों पे लेडीज आपने नहीं कान धरने. और दूसरी आपको एडवाइस है हिना की तरफ से कि अपने आप को डिस्कवर करें, आपके अंदर क्या बदगुमानियां, एपथी, एंगर, अपने ऊपर सेल्फ पिटी करना, ये सारी बीमारियां हैं, इनको छोड़ें. और नहीं छूटती है. और हाँ, एक बहुत जो शदीद जरूरत है, मोहब्बत में डिपेंडेंसी, बगैर अटैचमेंट के मोहब्बत करनी जरूरी है और बहुत करनी जरूरी है, मगर अटैचमेंट्स नहीं होनी चाहिए. वाकई? हाँ,
तो फिर वो प्यार इश्क मोहब्बत वो क्या भला चीज़? देखें ये तीनों बहुत मुख्तलिफ चीज़ें, इश्क पर तो हम पहुँच ही नहीं पाते हाँ। क्योंकि हमें हमेशा चाहिए होता है मैंने फलाने वक्त ऐसा किया वो यूं करके चली गई या उसने तो लिफ्ट ही नहीं। आप जब जब आपको किसी भी रिलेशन में कुछ एक्सपेक्टेशंस हो जाए ना और एक्सपेक्टेशन जब होती है जब वो रिलेशनशिप खोखली होती है तभी तो आपके अंदर ये बात आती है। तो उसमें फिर ये है कि मोहब्बत की डिपेंडेंसी नहीं, आपके पास इतना होना चाहिए कि पूरी दुनिया उस पर डिपेंडेंट हो जाए बट नॉट यू। वेरी गुड। ये ताकत कैसे आती है ना, अब इसका सीक्रेट भी तो बताए ना। ताकत इसी तरह आती है अपने ऊपर काम करके, ठीक है, अपने आप रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। जब आप अपने अंदर से वो चीजें निकालते हैं ना तो जाहिर है तन्हाई में निकालते हैं और आप यकीन कीजिए कि माफ करने की जो ताकत है ना आपके अपने हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं जब आप दिल से किसी को माफ करते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा ये ना बचपन से ऐसी थी? कैसी? ऐसी चुलबुली शोख जो स्क्रीन पर नजर आती है। आप वैसे नहीं है ये मुझे पता है कि खौफनाक हद तक संजीदा खातून नहीं है लेकिन ये कि ये जो शेड्स हैं कि लेकिन देखिए ये भी कहीं होता है अंदर अच्छे मिजाज को समझना और टाइमिंग्स के हिसाब से। नहीं कभी टॉम बॉय रही है कि बिल्कुल हमेशा से? अच्छा हमेशा से प्रोजेक्ट्स बहुत होते थे। मेरे अब्बा ने तो ये एडमिट कर लिया था कि ये एक डिफरेंट केस है, इधर से उधर भागी जा रही हूँ, उधर से उधर हाथ में मिट्टी है, कभी पाउडर है, कभी लकड़ी है, कभी कुछ। तजर्बे बड़े होते थे। अच्छा हाँ। और अगर एक्टर ना होती तो टीचर होती? अच्छा। और क्या पढ़ा रही होती? कोई भी खूबसूरत प्यारा सा लिटरेचर पढ़ा रही होती। अच्छा। या सारी मेरा तो दिल चाहता है कि मैं दोबारा से पढ़ना शुरू कर दूँ, मुझे वहाँ बहुत मजा आता है। मतलब एग्जाम नहीं अच्छा लगता है? नहीं एग्जाम तो आप जाहिर है किसी जगह बैठेंगे तो वो पैमाना जांचने की कोई होती है लेकिन मुझे लगता है पढ़ते रहना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा ये कैसे ये हादसा हुआ, वाकया हुआ कि हिना स्क्रीन पे आ गई? हाँ वो बिल्कुल इस तरह हुआ कि एक डायरेक्टर हैं उनको मैं ट्रांसलेशन कुछ देने गई थी अंग्रेजी से उर्दू की। वो सेट पे काम कर रहे थे, वहाँ जिन खातून को बुलाया था कि भाई वो आपने वहाँ से आके यहाँ दरवाज़ा खोलना है, वो नहीं आई थी और ड्रामा अटका पड़ा था। तो उन्होंने मुझसे कहा प्लीज़ आप कर दें। मैंने कहा हैं मैं कर दूँ? एंड मैंने एक कॉटन की साड़ी पहनी हुई थी। अच्छा। तो मैंने कहा साड़ी में कौन सी नौकरानी होगी? फिर मेरे दिमाग में आया कि बंगाली हो सकती है। तो भाई जल्दी जल्दी आसपास का कोई बंगाली ढूंढ के कोई गाना उससे कहा जल्दी बोलो जल्दी वो गाना। वो जैसा ऐसा उल्टा सीधा फिर वो देखा था जहन में लेकर आई कैसी होती हैं ये। तो बस वो एक सीन था वहाँ से आने का वहाँ तक, मगर उसके कई कट्स बनाए गए और ये। और फिर जब राइटर ने देखा तो उसने कहा ये तो मैंने कैरेक्टर नहीं लिखा था, तो अब मेरे अगले ड्रामे के लिए मुझे ये खातून चाहिए। तो इसे कहते हैं इन्वेंशन ऑफ अ स्टार के एकदम से आपने एक छोटे से काम को आपने बड़ा बना लिया ना खुद से। नहीं तो देखिए औकात तो होती नहीं इंसान की कि ये बना लेंगे ये बना लेंगे। ये सोचे बगैर इससे कतई नज़र के ये कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा, इससे सोचे बगैर बस ईमानदारी से उसको काम को कर दें। चाहे आप रोटी पका रहे हो, चाहे आप इम्तिहान दे रहे हो, चाहे आप एक्टिंग कर रहे हो, पूरी ईमानदारी से। बिल्कुल सही। अच्छा जी गपशप बहुत लगेगी लेकिन आज हमने मोमो के साथ अपनी हिना दिलपजीर के साथ बहुत सा खेलना है, इंजॉय करना है, बिकॉज आई एम श्योर कि आप सबकी बहुत फेवरेट एक्टर हैं, हमारी भी। सो स्टे विद अस ब्रेक के बाद। खुशामदीद, हम आज मिल रहे हैं अपनी बहुत कमाल आर्टिस्ट से, एक ऐसी आर्टिस्ट से जिन्होंने कि ये साबित किया है कि ख्वातीन जो है वो किसी रोल किसी किरदार में आए वो अपना लोगों का दिल जीतना जो है वो जानती हैं और ये एक बड़े कमाल की बात है। मेरे सामने देखिए, आपको लगता है कि मर्दों की एक जैसी सोच होती है हमेशा? देखिए मुझे ना ये जो जेंडर्स का वो है फ़र्क, ख़वातीन ये कर सकती हैं और ख़वातीन वो कर सकती हैं और मर्द बनो मर्द, ये खाली लेबल्स हैं। इंसान एक ही तरह से दुखी होता है, मर्द को भी उतनी ही चोट लगती है जब दिल टूटता है जितनी औरत को लगती है।
अब इस जेंडर्स के हिना जी सॉरी टू इंटरप्ट, मर्द को तमगा इम्तियाज मिलने पे हमने कभी इतना शोर शराबा नहीं देखा जितना मैं भी शायद को मिलने पे सुना है. देर इज सम डिफरेंस. देर इज अ डिफरेंस, लेकिन अगर देखिए इसको छोड़ें तमगा, मैं कहती हूँ कि जो भी बात गलत है, जो भी बात जस्टिफाइड नहीं होती, उस पे कहना जरूरी है, मगर ये बात गलत है कि आप किसी की तजहीक कर दें. बिल्कुल सही, ये गलत है. बिल्कुल सही. अच्छा चलें जी, कुछ सीरियस क्वेश्चंस. सीरियस क्वेश्चन, विल यू अलाउ मी? ठीक है ठीक है ठीक है, इन अ वेरी नॉन सीरियस मैनर. ओके, अच्छा ये आपने देख लेना, ये आपके पास है, आपके पास है ना. हाँ? जब होगा तो मैं हाँ कह दूंगी. नहीं तो हाँ जो होगा जब मैं ये कह दूंगी तो लोग हंसेंगे. हाँ, नहीं हंसना नहीं है. अच्छा, दिस इज सीरियस. हाँ कभी नहीं, और ये बहुत सीरियसली आपने बताना है, बात सच्चा सच्चा, क्योंकि बड़े सच्चे वाले क्वेश्चन है. वी रियली वांट टू नो यू. ठीक है ठीक है. क्या हिना दिलपजीर को जिंदगी में कभी प्यार हुआ? कभी नहीं. इसकी तफसील मैं आपको बताऊंगी इसके बाद में. ठीक है. अच्छा, क्या हिना दिलपजीर का किसी ने दिल तोड़ा? अच्छा, क्या हिना दिलपजीर ने कभी किसी का दिल तोड़ा? शायद. हाँ हाँ, तोड़ा. अच्छा, क्या हिना दिलपजीर ने कभी किसी को गुस्से में थप्पड़ लगाया? असली वाला, फिल्मी वाला, सही वाला? कभी नहीं. क्या कभी किसी को ये जुर्रत हुई हो कि वो हिना दिलपजीर को हिट कर सके, असली वाला थप्पड़ लगा सके, ऐसे वाला? अब्बा जी को, अब्बा जी को चाहिए. अगर अब्बा को हटा दो, अब्बा को हटा दे तो फिर कभी नहीं. फिर कभी नहीं. अरे क्या हिना फिल्म देखते देखते कभी रोना शुरू कर दिया हो? फिल्म देखते हुए रो रही हूँ. अरे कभी जिंदगी में झूठ बोला हो? हाँ. अरे किसी को चीट किया हो प्यार में? नहीं. कभी किसी ने आपको चीट कर दिया हो, धोखा दिया हो, कह के कुछ दिखा, बता के सज्जी मारी खबी? किस में? आम प्यार में? प्यार में नहीं, नहीं ऐसे प्यार व्यार नहीं होते मुझे. तो वो कभी नहीं हमें शो कर दे? कभी नहीं, नहीं. कभी नहीं. नहीं. अच्छा, कभी अपने स्टेटस का फायदा उठाया सेलिब्रिटी? आप मुझे जानते नहीं है मैं हिना? कभी नहीं. कभी नहीं? नो. अच्छा, कभी अपने किसी फैन पे क्रश हो गया हो, मेल फैन, अच्छा लगा आपको यार क्या अच्छा बंदा है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलते फिरते लोग, अच्छे लगते मुझे. मतलब अच्छा लगने का एक क्राइटेरिया होता है ये थोड़ी. हाँ. क्या है, कितना हैंडसम है, अच्छा लग गया नहीं. हाँ. बहुत प्यारे प्यारे लोग होते हैं, इनमें भी बहुत अच्छे लोग बैठे और मेल भी जो अच्छे गुड लुकिंग, मगर क्रश नहीं हो सकता. क्रश नहीं हो सकता. अरे कभी आपने किसी को ऐसे प्रपोज कर दिया है ना जी? मैंने खुद से? आप? अच्छा नहीं, किसी ने आपको? हाँ बहुत दफा. अभी लास्ट ईयर मैंने कहा था खुदा के लिए मान जाओ. अच्छा, अब मैं बहुत बड़ी हो चुकी हूँ, ना करो इस तरह की बात. अच्छा लेकिन बड़ी मतलब एज. आपने किसी को वाकई प्रपोज किया कि लेट्स गेट मैरिड? नहीं, मुझे ऐसा लगा नहीं, अगर लगता तो मैं कर देती, इसमें कोई हर्ज नहीं. इसमें कोई हर्ज नहीं, बिल्कुल सही. अच्छा, कभी आपने मतलब इस चीज के ऊपर ले दे की हो, मेरा रोल तो इसमें बड़ा है नहीं, मुझे तो आप बहुत छोटा सा रोल दे रहे हैं? प्लीज, कभी भी नहीं. अच्छा, तो फिर किसी साथी को मिलने वाले किसी रोल से जेलस भी नहीं हुई? कभी भी नहीं. कभी भी नहीं? कभी आपको लगा कि यार ये मुझे मिलना चाहिए था, इसको क्यों मिल गया है? नहीं नहीं नहीं, कभी भी नहीं. कभी नहीं, बस मुझे ये होता है कि जिसको रोल मिला है वो उतना उस रोल को कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो फिर मैं हल्के से कह देती हूँ जरा बढ़ाओ, रोल अच्छा है. ठीक है. बाकी हाँ, अनडिजर्विंग अगर कोई होता है तो मुझे थोड़ी तकलीफ होती है, वो डिजर्विंग लोग मारे जाते हैं. और कभी जूनियर किसी आर्टिस्ट को जितलाया, देखो मैं सीनियर हूँ, देखो मैं तुम्हें बताती हूँ इसको ऐसे कर लो? नहीं नहीं, मैंने कभी, मुझे शुरू में ना ऐसा लगा कि मैंने कहा सुनो इस डायलॉग को इस तरह बोल दो, तो मुझे लगा कि एक दो लोगों को ऐसा लगा कि अब मैं सिखा रही हूँ. हाँ. ऐसा नहीं था, तो फिर मैंने थोड़ा ये कंट्रोल किया. सही.
अच्छा, कभी सारी रात किसी की याद में रो रो के तकिए भिगोए हो? हाँ नहीं मैं बताएं? क्यों, मेरी नींद मुझे बहुत प्यारी है। अच्छा। नींद बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें तकिए डुबोने भिगोने की कोई जरूरत नहीं, ये चीजें अपने अंदर से ठीक करनी होती हैं। अब आए अपने पहले सवाल की तरफ, जो आप कह रही थी मैं आपको बताऊंगी कि क्या जिंदगी में कभी किसी ने इसे प्यार हुआ, किसी ने प्यार किया, आपने इसके बारे में कहा था? नहीं, आपने कहा ना कि कभी आपको प्यार हुआ, कभी नहीं, मैंने ये कहा था। अच्छा, असल में बात यह है कि मोहब्बत है क्या, इसका मतलब बहुत ज़रूरी है समझना, और जब आपको समझ में आ जाता है तो आपको वो सारी लाइन पीछे मिट्टी कूड़ा लगती है कि मैंने क्या किया यार। ठीक है, हाँ, आपने क्या समझा अभी तक, क्या है प्यार? ये इतनी प्यारी प्यारी बच्चियाँ बैठी हुई, ये अक्सर इनमें से इस ट्रैप में बड़े आराम से फंसती हैं। नहीं देखिए, एक तो मुझे लगता है कि महज बायोलॉजिकल चेंजेस पर आपको नहीं ये कंसिडर करना चाहिए कि ये मोहब्बत है। मोहब्बत एक अलग चीज़ है, पूरी कायनात बनी है, ये फोर्स है, ये जज्बा नहीं है। इस मोहब्बत से आप सब कुछ मुमकिन कर सकते हैं, अपना काम मोहब्बत डाल दीजिए उसमें, क्या कमाल काम होता है। लेकिन और लोगों के मामलात की जो बात है, मोहब्बत उसे कहते हैं जब आपके अंदर से कोई बुरी थॉट किसी दूसरे के लिए क्रिएट ना हो, नहीं होती तो आपको उससे मोहब्बत है। क्या बात है, वाह वाह, सही ना जी। अब पता है, अब शो करते हुए ना अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है कि अच्छी बात नहीं करनी। मुझे वो इश्फाक साहब की बात याद आ गई ना कि जब किसी के ऐप भी तुम्हें सवाब लगे ना तो समझ लो तुम्हें उससे मोहब्बत है। आपने उसी को अपने अंदाज में, अपने अल्फाज में कह दिया ना। लेकिन अब हम इस तरह की बातें, थैंक यू सो मच फरा, मैं ऑन एयर कहना चाहती हूं कि आपका जब शो होता है आप बहुत सेंसिबल बात करती हैं। मेरा मॉर्निंग शोज में जाने का दिल नहीं चाहता, मगर मुझे फरा के साथ बैठ के बात करने में बहुत मजा आता है। अच्छा ये ना, आप एक बहुत मजबूत खातून हैं, ये अब आप इसको शायद मुझे कहें कि नहीं, बट यू आर वन दैट वुमन जिसने चैलेंज किया है कि यार औरत, जो आपने अभी बातें की सारी औरत की ताकत की, स्ट्रेंथ की बात है, इसका थोड़ा सा जर्नी अगर आप शेयर करना चाहें। चांस नहीं थे ना, वरना मुझे भी बड़ा मज़ा आता था अपने घर में लिहाफ में लेट के इंतज़ार करना, और टी वी लगेगा तो मैं भी कोई प्रोग्राम देखूँगी। मेरे पास ये चांस नहीं था। अगर मैं ये सब ना पहचानती कि मेरी जो, मेरे जो राइट्स हैं और मेरी जो ड्यूटीज़ हैं वो क्या हैं, तो आप यकीन कीजिए कि मैं भी कोई बहुत ही मजलूम खातून होती, हर एक को देख के मेरी आंखों में आंसू आने, तो फलाने वक्त इसने ये कहा था, मैं यूं थी, मैं ये थी, ये नहीं करना ज़िंदगी में, कभी मत करना। ये पहचानना ज़रूरी है, ये मेरी ड्यूटीज़ हैं, ये मेरे राइट्स हैं। और आप कभी भी ऐसी नहीं थी? कैसी? ये जैसे आपने कहा कमज़ोर, मैं बहुत, मत पूछिए मैं कैसी थी। मैं बताती हूँ आपको, मुझे तो ये भी नहीं पता था। मैं समझती, देखो सब खुश रहें, सब अच्छे अच्छे रहें, उन अच्छा रखने के लिए और अच्छा रहने के लिए आप वो बातें भी पीछे छोड़ जाती हैं जिस पे बोलना ज़रूरी होता है। बोलने का मतलब लड़ना नहीं होता, डायलॉग्स बहुत अहम होते हैं। और अगर कोई भी बहस या कोई भी डायलॉग, उसमें अगर जज्बातियत शामिल होगी ना, तो आप समझ लें कि उसकी जो आगे इम्कानात हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, जज्बातियत को एक तरफ कीजिए, हकीकत में रहिए, कौन है आप पहचानिए। ठीक है, अच्छा आपने ये पहचान लिए बड़े आराम से? नहीं नहीं, so ना ना ना, बस वन फाइन मॉर्निंग, नहीं नहीं, बहुत रो रो के। अच्छा। बाद में पता चला कि नहीं ये गलत है, अपने आप को दुरुस्त करो, इस तरह नहीं होता, मतलब दो कदम कैसे। अब बाज तो शेर भी मुझे, मैं खुद भी थोड़ा बहुत लिखती हूँ और मुझे शायरी से दिलचस्पी है, लेकिन कुछ अशआर पढ़ के और सुन के मैं कहती हूँ ये कौन सी वाली मोहब्बत को का अहाता किया गया है। मतलब वाकई मुझे वो बहुत फनी लगता है। आप समझती हैं कि ताकत, मजबूती, ये एक और तरह की खूबसूरती है, ये एक और तरह की डिस्कवरी है। ताकत और मजबूती होती है तभी मोहब्बत आती है आपके दिल में। बिल्कुल सही, वरना है ना, एक बहुत बड़ा टैबू है हमारे माशरे का, वो डिवोर्स, सिंगल, आपने फेस किया है उसको, और जो आप बातें कर रही हैं ये उसी का, आई कैन रिलेट के शायद ये उसी को आप इंडिकेट, उसी की तरफ इशारा कर रही हैं कि जब आप
एक मर्द की सरपरस्ती से या उसकी उसकी पहचान से निकल के अपनी पहचान की तरफ जाते हैं? नहीं, ये तो मैं आपको बताती हूँ, ये जो डिवोर्स, मेरे सारी बातें वो डिवोर्स की तरफ नहीं थी, लेकिन ये बहुत अच्छी बात होती है, ये बहुत अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आप एक कपल हैं और आप एक घर में रहते हैं, चाहे वो बड़ा है या छोटा है, मगर आप जिंदगी को एक दूसरे के साथ खुशी से और इज्जत के साथ शेयर करते हैं और जिंदगी खूबसूरत बनाते हैं, मगर और इसमें कॉम्प्रोमाइजेस भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, मगर अगर आपको ये पता चले कि ना ही तो आपके अंदर उस वक्त इतनी अकल थी, और अगर होती भी तो वो जो सामने थे उनको तो आप नहीं बदल सकते थे, क्योंकि ये उनकी जर्नी थी, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो उसके बाद एक तो फौरी तौर पे ये ना सोचा जाए कि कोई हमारा हाथ थाम ले और हमें सहारा दे दे। कोई शख्स बेसहारा नहीं है, अल्लाह सबका सहारा है, हर एक की जिंदगी में अलग अलग हालात आते हैं भाई, किसी किसी की जिंदगी में डिवोर्स भी आती है, तो भाई जैसे भी हालात आए ना, सर उठा के डिग्निटी से गुजरो। हम फंसते कहाँ हैं? अल्लाह फुप्पो क्या कहेंगी? अच्छा मैं ऐसा करती हूँ, फुप्पो को ये कह देती हूँ, एक झूठ क्रिएट हुआ, घर में मेहमान आ रहे हैं, उनको ये बोल देते हैं कि वो बहुत ही बदतमीज था। ऐसा नहीं हो सकता, कोई शख्स कंप्लीटली बुरा नहीं हो सकता, नहीं होता, मुख्तलिफ हो सकते हैं लोग, अच्छाई बुराई रिलेटिव है, मेरे साथ अच्छा है आपके साथ बुरा है, तो आपके लिए बुरा है। का, देखो जिंदगी अच्छी इज्जत के साथ आपके राइट्स उनके राइट्स सबके हुकूक के साथ चल रही है, सब अपनी ड्यूटी समझ रहे हैं तो सही है, और अगर इसमें नहीं होता, कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करने के बाद भी नहीं होता, तो बड़ी इज्जत से अलग हो जाना चाहिए और सारे दिन जिंदगी दोस्ताना रवैये में रहना चाहिए, ये नहीं कि तुम इसको जला दो उसको दफा करो ना, बिल्कुल सही, सो हम अपनी बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट हिना दिलपजीर से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, खुद भी डिस्कवर कर रहे हैं, आई एम श्योर के यू वुड लव टू स्टे विद अस, इसलिए कि ब्रेक के बाद हम कुछ और बहुत अच्छा करने वाले हैं। खुशामदी जनाब, आज हम अपनी फेवरेट एक्टर से मिल रहे हैं, उस दौर में जब स्क्रीनों की गहमा गहमी है, जब टेलीविजन है उनकी भरमार है, चैनल्स की, अपना नाम और मुकाम बनाना मुश्किल तरीन काम है, जो ये मुश्किल तरीन काम इस खातून ने बहुत कमाल तरीके से अंजाम दिया है। हिना दिलपजीर से आज हमारी मुलाकात हो रही है। हिना जी, कौन सा अवार्ड है जो आप चाहती हैं कि यार ये मिलना चाहिए, होना चाहिए? ये मिला तो है, इतना प्यार, इतना कोई जमा कर सकता है अपने लिए? नहीं, लेकिन इतना वर्सटाइल, इतना कमाल एक्टिंग परफॉर्मेंस, अगर हम इसको नहीं एक्नॉलेज करेंगे तो देन हम आर्ट फॉर्म को कहाँ एक्नॉलेज करेंगे, कि कौन सा, आप हमें आर्ट फॉर्म को डिफाइन तो करना पड़ेगा ना कि हम किन क्राइटेरिया, किन चीज़ों पर चल रहे हैं। देखें, जब से मैं इंडस्ट्री में आई हूँ, हाँ, कुछ अवार्ड देना जी, अवार्ड की अपनी इज्जत के लिए बड़ी ज़रूरी होते हैं, कुछ अवार्ड दिए जाने। जब से मैं इंडस्ट्री में आई, मैंने जो पहला ड्रामा किया था बंसरोड की नीलोफर, वो फर्स्ट ड्रामा था, और खुदा खुश रखे कारा फेस्टिवल, इंटरनेशनल फेस्टिवल जो होता है, वो एक वाहिद अवार्ड है मेरे पास, उसके अलावा किसी किस्म का कोई किसी साबुन सर्फ शैम्पू किसी का अवार्ड नहीं है। और जो अच्छा, इसमें दिल नहीं दुखा कभी कि यार मुझे समझा ही नहीं इस काबिल किसी ने? नहीं, दिल मेरा शुरू में थोड़ा हुआ, लेकिन मैं अपने काम पे ज़्यादा तवज्जो देती हूँ, मैं अंधों से नहीं पूछ सकती कि देखो सामने क्या है, तो जब नाबीना हो सब तो उसमें फिर बिनाई का क्या दावा? मुझे लग रहा है ये भी नामी नहीं है। Oh my God. Oh,
अच्छा अच्छा तो क्या बात कर रही थी गालिबन अंधों का जिक्र हुआ अंधों का हुआ था पागलों का तो नहीं तो आप कहां से आ गए अच्छा पागलों का नहीं हुआ नहीं अगर पागलों का जिक्र ही नहीं हुआ तो आप कहां से आ गए ओह माय गुडनेस सुबह 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 हेलो हाय ओह माय गुडनेस अच्छा ये बेतकल्लुफी भी मैंने आपको बताया कि मैं अंधा नहीं हूँ बने में ओह माय गुडनेस एक अंधा ये वाला होता है एक अकल का अंधा भी अच्छा अकल के अंधे का नहीं नहीं ये वाला भी होता है जो चश्मा लगा के अंधा बन जाता है और वो होता नहीं होता नहीं है ये है वो अंधा ये है वो अच्छा आपको पता है जो ऐसे हंसते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं पागलखाने में अच्छा पागल खाने चलो मेरे बच्चे सब पागल ओह माय गॉड खाएंगी आप नहीं आप खाइए बिस्किट है मुझे पता है रेवड़ी नहीं है मैंने भी इसीलिए पूछा कि आपको पता है या पंडी मैं वो ऐसे नहीं कर सकती बहुत नामवर आर्टिस्ट है ना सिर्फ ये के बसारत रखती है बल्कि दीदावर है अरे वाह 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 फिर तो इनके लिए क्लैप होनी चाहिए दीदावर पता है बहुत शुक्रिया मैं देखता रहता हूँ इनको ऐसे मैं जब हंसता हूँ जब आपको देखता हूँ क्यों आई लव यू फॉर दैट आई लव यू टू मेरे जैसी नहीं नहीं वैसी की वैसी का मतलब ऐसी वैसी बिल्कुल नहीं अच्छा ऐसा वैसा तो बाय द वे मैं भी नहीं हूँ आप कैसी हैं अल्हम्दुलिल्लाह ओह शुक्र है कोई काम है मुझे यार देखो मुझे आए भी 10 मिनट हो चुके हैं और आप पूछ रही हैं कोई काम है कमाल है क्या काम हो सकता है एक भूखे को अच्छा इसलिए आए ये यार ले ले साथ ले सारे हाँ थैंक यू बेटा बात सुनो नहीं मैंने साथ ये कहा था ये ले जाए नहीं नहीं देखे मैं लोगों के बर्तन बिल्कुल भी साथ नहीं लेके जाता ये मेरे खानदानी चुके खानदानी लोग जो होते हैं हिना जी आपको पता है कि वो किसी के बर्तन को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाते तो लिहाजा मैं देखते हुए आपकी सहावत को इसे जेब में डाल लेता ये चाय है ये कॉफी है नहीं नहीं ये नहीं आप ले सकते हाँ। अच्छा ये अपनी अपनी होती है हाँ। इसमें सांस नहीं होती ये वैसे काफी है हाँ, ये काफी इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये काफी है थोड़ी मुझे दे दे ये काफी है आपके पास भी है कॉफी है थैंक यू ओए आप वापस अपनी कॉफी ऑफर कर रही हैं वो ले लेंगे देखे देखे एक चावल को क्या चाहिए मैंने इनसे कहा कि एक चावल को क्या चाहिए किसी को चाहिए अगर फ्री में होती तो ले लेती देखिए बात यह है कि पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान में बड़े अच्छे लोग काम करने वाले हैं आप सेंसेस में वापस आए आए परा क्या किया ओह माय गुडनेस यार क्या ही बात है इसकी तो सुलाई नहीं मारी आपने अच्छा नहीं मैंने मेरा कहने का मतलब था जो कह रहे हैं वो जारी रखें मांग के कॉफी पीने का और उठा के कबाब खाने का एक अपना ही मजा नहीं 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 सही लफ्ज है
चोरी करके खाने का ना। अच्छा, चोरी मैंने की है? इजाजत तो नहीं ली आपने? मैंने इजाजत नहीं ली। नहीं नहीं, फिर भी लूट मार से बेहतर है। हाँ, लूट मार से तो बेहतर है। लेंगी आप? नहीं मैं नहीं। आपके पास काफी है। सुने, चाय अपनी इस तरफ रखे, कहीं बिस्किट डुबो ना ले। देखिए, अब अगर दो लेडीज बैठी हैं, तो इनमें मर्दों का क्या काम है कि नहीं? लिहाजा अच्छा, वैसे आए बोल बेटी, क्या कहती है? ये मेरी बेटी है। सच्ची? मुच्ची। अब तो दे दो। सारा जोर वहीं पर। आए हाय, एक्चुअली ये मेरी बेटी है। ये आपकी बेटी है? नहीं, रही दुनिया में, चली गई। इसमें थी। इतनी कामी मेरी बेटी, इतने काम करने, ऐसे अंगूठा रख के तो मटर के सारे दाने निकाल देती थी। क्या बात, ये आप अपनी बेटी को लेके यहाँ क्यों आ गई हैं? हाय, डॉक्टर के पास आई थी, डॉक्टर आगे से कॉफी पी रही है। वैसे कॉफी है, थोड़ी मिल नहीं सकती। एक्चुअली ये ना, ये भी है, लेकिन मैं ज्यादा पीती हूँ। ठीक है। आए, इतनी मेरी अच्छी बेटी, आप सुनाए कैसी है? अल्लाह का शुक्र। शुक्र। आए, आगे भी पूछे, वो हमारे मुल्क की बहुत बड़ी आर्टिस्ट है। आप किन बातों में बड़ी मियाँ? हाँ, बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, मैं इनको टीवी पे देखती रहती हूँ। अच्छा। हाँ, जब ये टीवी बंद होता है ना, मैं तब इनको देखती हूँ। अच्छा, वो कैसे? मोबाइल पे देखती हूँ ना। अच्छा अच्छा, साथ साथ चैटिंग भी करती हूँ। अच्छा, तो अगर आप थोड़ी देर के लिए चुप बैठे तो बातें कर ले। आप पहले कौन सा यहाँ बैठ के सेवियाँ निकाल रही थी? 3 घंटे से बातें ही कर रही थी, थकती नहीं आप? ने भी 3 घंटे कहाँ हुए, आप आ गई हैं। हाँ, मैं आ जाती हूँ, मैं और बादल कहीं भी आ जाते हैं। कॉफी ले ले, खुद बनाई है मैंने। आपके लिए स्पेशल बनाई थी। खाला जी बड़ी झूठी, वो तो खाला जी झूठी बहुत है। हम वहां जाएं? मैं मोहल्ले में इसी बात से मशहूर हूँ कि झूठी बहुत हूँ मैं। हाँ, यकीन करें, मैं तो ऐसे ऐसे झूठ बोल लेती हूँ। रात मैंने अपने खावंद के साथ झूठ बोला। अच्छा। हाँ, उसने नॉक किया बाहर से, मैंने कहा मैं हूँ ही नहीं। आपके खावंद को नॉक करने की जरूरत क्यों पड़ गई? मैं झूठी हूँ ना, इसलिए वो नॉक करता है। और आप सुनाइए, कराची कैसा है? कराची बहुत अच्छा है। लाहौर भी बहुत अच्छा है, माशाल्लाह। कॉफी भी अच्छी है, सब अच्छा है, काफी है। बेटा, आप में से कोई मांग लो इससे, मुझे तो नहीं दे रही। मेरा ख्याल है, इतनी प्यारी प्यारी बच्ची है बैठी है। आंटी जी ने तो जाना नहीं है जी, तो हम एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक में, इससे पहले कि ये ब्रेक ले, मैं दुपट्टा ले लूं। चले, मैं ब्रेक लूंगी यहाँ पे, ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशामदी जनाब, हिना दिलपजीर से हम मिल रहे हैं। अ वेरी 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 टैलेंटेड एंड ब्लेस्ड वुमन, एन आर्टिस्ट जिसने अपने आप को मनवाया है, एक जिसे कहते हैं जम्मे गफीर में, चैनल्स की भरमार में, जो बड़ी बात है ना, ये बहुत कम लोगों के हिस्से में आया। लोगों ने ओवर अ पीरियड ऑफ 25 साल, 30 साल, 35 साल काम किया और उनका वो नाम बना जो आज अवाम में, लोगों के दिल में जो आपका नाम है, मकाम है, ये बड़ी कमाल। मैं इससे खुद डरती हूँ, इसलिए कि ना ही तो मैं जानबूझ के एक्टिंग में आई थी और ना ही जानबूझ के ये नाम बन सका है, तो ये अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है। बहुत बहुत, वाकई इसमें शक नहीं है। सामिया खान ने हमें ज्वाइन किया है। सामिया कैसी है?
मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा भी फर्स्ट चांस है हिना से मिलने का. अच्छा. और जिंदगी में बड़े कम मैंने ये लफ्ज बोला कि मैं आपकी बहुत फैन हूँ. अच्छा. तो मैंने इनको देखते ही कहा, मैं कहती मैं आपकी बहुत फैन हूँ. थैंक यू. अब हिना की वजह से जब भी किसी का नाम महमूद आता है ना तो मेरी प्रोनाउंसिएशन ही गलत हो जाती है. मैं भी उसे महमूद मेरा दिल करता है उसको महमूद कहने का. लेकिन मैंने महमूद साहब को कभी महमूद साहब नहीं कहा. यही शिकायत है ड्रामे में उस कैरेक्टर को. मैंने हमेशा उन्हें मसूद कहा है या मुस्तकीम कहा है. मसूद या मुस्तकीम. टोटल वो जो एब्सेंट माइंडेड लोग होते थे ना, गायब हाजिर दिमाग अक्सर लोग हैं. मैं खुद हूँ. मैं अपने मेड को बुलाते हुए कुछ छह नाम लेती हूँ. मैं खुद हूँ. मैं भी अक्सर रिलेट करती हूँ. वो एक नाम, इन लोगों का नाम ही मोमो आपने डाल दिया है. ये करेक्टर ही आपने मोमो बना दिए. तो क्या माशाल्लाह हैट्स ऑफ है आपको कि जो है इस इंडस्ट्री में फिर बुशरा अंसारी जी जैसी एक बड़ी शख्सियत थी. बिल्कुल. और आपको देख देख कर उनके जो प्रोग्राम्स आते थे बुशरा आपा के, जब हम लोग यहाँ नहीं रहते थे और टेलीविजन से कोई वास्ता नहीं था, आप यकीन कीजिए उनको देख देख के सीखा है मैंने. लेकिन अब माशाल्लाह कैसा लगता है वैसे अब जिनसे आपने सीखा हो, जब आप आ जाते हैं उसी मतलब एक जॉनर है ना आप भी उसी में परफॉर्म करें तो फिर नहीं मुझे अभी भी वो वैसी लगती है. मैं उनको ऐसे ही देखती हूँ अभी भी. अच्छा एक बात मुझे पूछनी है, मेरा भी एक सवाल है जनाब. बुशरा अंसारी जी का जायचा जब मैंने देखा, उमर शरीफ साहब का जायचा पढ़ा, तीसरी माशाल्लाह आप जिन्होंने अपना लोहा मनवाया है इस फील्ड में, अच्छा तीनों को जो मैंने पढ़ा है सोल अंदर से बहुत संजीदा है, तो फिर ये बंदा कैसे इतनी हंसियां बिखेरता है, ये मुझे जानना है. बेवकूफ लोग कभी किसी को नहीं हंसा सकते. जिनकी बड़ी मिसाल है. व्हाट एन आंसर, व्हाट एन आंसर. आज मिला जवाब पहली बार. हां गुड. आपने कुछ बताना है इनको वैसे? हां फरा, मेरे लिए तो देखें एजाज होता है ऐसे लोगों को पढ़ना, क्योंकि मैं खुद सीखती हूँ ऐसे उसमें जायचों में से जो इनकी शायद आपने एक्सप्लोर किया हो अभी तक इनको. जो सबसे मेजर चीज मैं इनके बारे में जानती हूँ, ये अंदर से भी एक कलंदर सोल है ये औरत जो है ना, बहुत कलंदरी दरवेशी है. हालांकि नजर आता है कि अल्लाह ताला ने बहुत मेहरबानियां भी की. मैं आपको कथा सुनाऊंगी दरवेशी की, हम सुनेंगे जरूर. अच्छा फिर मैं देखती हूँ कि लोगों में बड़े सिलेक्टिव हैं, उन्होंने अपने फेम को अपनी शोहरत को उस तरह कैश करना ही नहीं चाहा जिस तरह वो कर सकती थी. तो लोगों में बहुत सिलेक्टिव मैंने देख रही हूँ. इंसानियत की खिदमत का पैशन पाया जाता है, वो ये किस तरह कल को पूरा करेंगी ये मुझे नहीं पता. ये इनके अंदर एक दर्द नजर आता एक है, सीक्रेट है ये. अभी आपसे जानते हैं. अच्छा दूसरा जो आप इनकी जाहिर हम स्टोरी मैं तो खुद सुनी हुई है आपकी, कि आप एक तकलीफ वाले रिश्ते से निकली और चैलेंज बनाया आपने, लेकिन वो हुआ इसलिए था अल्लाह ने आपको अकेला नहीं रखना, ये याद रखिएगा. आपका जो है अगली एज में आप अकेली नहीं है. मतलब इसका क्या है जो है कि ऐसे लव स्टार्स इतने प्यारे हैं कि लोग जेन्युइनली प्यार करते हैं. मुझे अकेली नजर नहीं आती एक दो साल के अंदर अंदर. वेरी गुड हिना जी, मुबारक हो. बहुत बहुत. तो फिर मैं अपना गरारा सिलवा लूं. आप क्यों, ए प्लस हम यहाँ सिलवाएंगे, यहाँ से रुखसत करेंगे आपको. और जो है एक बात सामिया की, एक बड़ी कमाल बात है. सामिया सारी सिंगल खवातीन को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देती है. मैं खुद अपनी होप नहीं छोड़ दी. अच्छा फरा, जो सबसे अच्छी चीज़ है कि ये हम लोग सोचते हैं कि जो एक्टर लोग होते हैं ये इतनी मल्टी टास्किंग है इनके अंदर. इनका सुखड़ापा हमने इनका घर नहीं देखा, अरे लेकिन यहाँ से नजर आता है ये लगाया हुआ अभी. अच्छा क्योंकि इनके ये बड़ा अपना बिस्तर भी साफ सुथरा बगैर शिकनों के अपने घर में भी मल्टी टास्किंग कर सकती हैं ये. कि जो है सिर्फ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी जो इनके अंदर, वो है कि बहुत ज्यादा अपने आप को आइसोलेशन में ना रखें कभी भी. ना रखें नहीं. अच्छा वो ना चाहते हुए भी हो जाता वो है, ना रखें क्यों? वजह ज्यादती हो जाएगी क्योंकि जितना सबर और स्ट्रगल आपके अंदर है हाँ. वो बल्कि बेहतर है कि उसका कैथारसिस होता रहे
और आप लिख बहुत अच्छा सकती हैं। नहीं तो वो कैथारसिस तो होता है जब मैं अकेली होती हूँ, फिजिकली कोई इंसान नहीं होता, बट मेरे पास बहुत चीजें होती हैं। नहीं सर, वो सर तन्हाई की आदी हो गई फिर हम शायद ये बात है कि आदत हो गई है तन्हाई। ये नहीं करना, बहुत आइसोलेशन में ना रखें, कोई ना कोई मसरूफियत रखा करें। अच्छा मुझे तो बहुत है, मुझे लगता है जब मैं चांद को देखती हूँ मैं कहती हूँ तन्हा है, जब मैं रब की जात को देखती हूँ मैं कहती हूँ तन्हा है, और उसने कहा है आहद वाहद, तो ये जो तन्हाई है ना इसका भी कोई रब की जात के साथ एक कनेक्शन है। दो चीजें आपने बतानी है, एक वो जो हम आपके अंदर आपने कहा मैं वाकया सुनाऊंगी क्योंकि ये चीजें लोगों के लिए मोटिवेशनल होती है, फिर आप और दूसरा सुघड़ापा आपका, कि ये कैसे आपने मैनेज किया अपने इस काम के साथ जो है ताकि हम जैसे लोग भी सीखेंगे। चले हिना जी इस बात का जवाब दो, दो बात दो सवाल है हमारे, एक तो वो वाकया सुनाना था आपने कि जो मैंने कही कलंदरी है बहुत ज्यादा, वो तो मैंने कथा सुनाना था, एक मैंने कथा लिखा है। अच्छा सुनाइए फरमाइए, इरशाद है कि इजाजत है। हाँ, इरशाद कैसी बात कर दी है, मुंतजर है। मुकम्मल अब मैं तुझ में खो गई हूँ, मुकम्मल अब मैं तुझ में खो गई हूँ, मैं कतरा थी समंदर हो गई हूँ। वाह, मुकम्मल अब मैं तुझ में खो गई हूँ, मैं कतरा थी समंदर हो गई हूँ, जो पाया राज हस्ती मैंने तुझसे, गदागर थी कलंदर हो गई। शुक्रिया शुक्रिया, वाह वाह क्या बात। कोई रोमांटिक कथा भी, ये भी बहुत रोमांटिक है, अगर इसको तू को बोला इसके हकीकी से अगर ले जाए, अगर उधर ना लेके जाए तो इधर मजाज रोमांटिक ऐसा है शेर, एक छोटी सी नज्म है अगर आप कहें तो, चार पांच लाइंस की सुनाऊं? बिल्कुल इरशाद। मुलाकात नहीं हुई सिर्फ बात है। अच्छा। सिर्फ ये सोचा जा रहा है कि मुलाकात कैसी होगी। अजब तरह की थकन थी तुम्हारे लहजे में, जैसे बारिश से जरा देर के पहले की फिजा, कितनी बेचैन सी होती है बरसने के लिए, जैसे दरपेश हो खुशबू को हवा की तरतीब, जैसे सदियों से वो बेकल हो बिखरने के लिए। वाह वाह वाह, जैसे कई लाख जजीरे हो गुमा से आगे, जैसे तारा कोई शब भर जागे, रोशनी होते ही बेचैन हो घर जाने को, तुमसे जितनी भी हुई गुफ्तगू वो खूब रही, देखना ये है कि अब तुमसे मुलाकात के बाद, उस दिलावेज मुलाकात का रंग क्या होगा, रंगे उम्मीद खिलेगा कि बिखर जाएगा, वक्त परवाज करेगा कि ठहर जाएगा। क्या बात, ये किसी जमीन में आपने की है या वो? नहीं हाँ। ये मैं परवीन शाकिर को बहुत पढ़ती हाँ। थी, उनका एक जुमला था जो मुझे बहुत मेरे दिल को लगा, वक्त परवाज करेगा कि ठहर जाएगा। हाँ। ये उनकी जमीन, ये उनकी जमीन हाँ। है जो मुझे बहुत फैसिन, ये मेरी नज़म उनकी नज़म की इंस्पिरेशन है। वाह बहुत खूबसूरत, बहुत। तो खुशबू के सफर के बाद हमें अब एक और खुशबू का सफर जो है वो मिलने वाला है, ये कब आ रहा है मजमुआ, कुछ लिखवा रही है कुछ? मैं तो बहुत अरसे से कोशिश कर रही हूँ मगर नहीं, लेकिन आप सीरियस भी हो जाएं, ऐसा हो नहीं सकता कि इशारे कुदरत ने दिए ना हो। 2017 से ये वक्त मुबारक खुशबू वाला शुरू हो चुका है। अच्छा ये मतलब हो गया है, ये किताब की इशारत वाला? नहीं 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 नहीं, गरारे वाला, गरारे वाला। हाँ मुझे तो पता ही नहीं था वरना मैं सिलवा लेती। अच्छा नहीं सीरियसली हीरा जी, आर यू ऑफ माइंड के कोई जिंदगी में आया तो कबूल किया जा सकता है नए सफर का आगाज किया जा सकता है? यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी फरा कि बास लोगों का आपने प्लीज घबराना नहीं है फैसला करते हुए, क्योंकि आपकी किस्मत में घबराने वाला सुख मुकम्मल लिखा है, मतलब हम जैसे घबराएं जिनका मैरिज हाउस ही फारिग है, लेकिन आपकी जिंदगी में लव स्टार्स इज्जत और मुकम्मल दूसरा सुख लिखा है अल्लाह ने। अच्छा, इसलिए आपने चले आपने वो नहीं करना, घबराना नहीं है, मतलब वो होता है ना जैसे इंसान अपने एक्सपीरियंस से डर जाता है। हाँ हाँ ये एक वन ऑफ द रीजन है। लेकिन हिना जी माशाल्लाह बेटा है, माशाल्लाह हाँ, तो आप समझती हैं, आप इस मामले को थोड़ा सा एड्रेस कीजिए ना हाँ। कि आपने वो सिंगल जिंदगी गुजारी है, बेटा पाला है, जवान किया, जिस सफर की तरफ बात करें हाँ, ये कैसा था अकेली औरत का एक छोटे से बच्चे की उंगली थाम के इस मुआशरे में सफर?
देखें अगर सफ़र के शुरू में खड़ी हो के आपको बताती हूँ पॉइंट ऑफ व्यू, तो बारिश भी थी, अंधेरा भी था, रास्ता भी बहुत लंबा था और खौफनाक रास्ता था। तो मैंने अपने बेटे का हाथ जिस वक्त पकड़ा था तो उस वक्त मैंने कहा था अब मैं चली जाऊंगी, अब मैं ये क्रॉस कर लूंगी। और कर लिया मैंने क्रॉस। और इस तरफ आके पता चला कि वो जो विल होती है ना इंसान के अंदर, रियलाइजेशन कि आपने करना क्या, आपके हिस्से में काम क्या आया है, बस वो अपने हिस्से का काम पहचान के उस पे काम करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि फलानी जो है वो तो इतनी अच्छी तो मैं ही हूँ, ऐसे नहीं होता। हर एक का काम अल्लाह ने अलग किया। जो सामिया मुसलसल इशारा कर रही हैं, मतलब जिंदगी में ऐसा मौका आया कि मैं, जो मैंने भी सवाल किया था, किसी ने कहा कि चलें आप भी अकेले, हम भी अकेले, चलो क्यों ना हम इकट्ठे जिंदगी गुजार लें। सुने ये गलती बहुत बड़े बड़ों से हो रही है तो मैं भी कर लूंगी तो क्या। शामदीद, वेरी हैप्पी कि आज हम मिल रहे हैं हिना दिलपजीर से और हिना जी के आंखों से अब हम मिलेंगे अपने बहुत सारे स्टार्स से। हिना आप प्लीज, अगर मैम यहाँ तशरीफ ले आए, ये हमारे पास सबसे पहले अतीका ओडो साहिबा, हम नहीं जानते इन्हें, आपने हमें बताना है ये कौन है। मिलिए बहुत खूबसूरत प्यारी अतीका ओडो से, वेरी ब्यूटीफुल पर्सन। एंड वन एडवाइस, एक कोई कहने मशवरा नसीहत? मैं नहीं दे सकती मशवरा नसीहत, मुझे ये पता है कि ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और ये स्ट्रॉन्ग हैं। इनको अगर आप किसी ग्रुप को लीड करेंगी तो वो बहुत अच्छी लीडर हैं, एंड यही कह सकती हूँ। बिल्कुल सही, ब्यूटीफुल, माशाल्लाह, बिल्कुल सही, इसमें कोई शक नहीं। हिना बयात, हिना बयात, मैं हिना बयात से जब मिलती हूँ एक्टिंग के बारे में या पर्सनैलिटी के बारे में, हम आपने इंट्रोड्यूस कराना है। हिना बयात से जब मिलते हैं तो आपको लगता है आपका कोई बहुत बिछड़ा हुआ पुराना दोस्त मिल गया। अच्छा, आई फील गुड, आई फील हैप्पी, अगेन अ ब्यूटीफुल पर्सन, एक बड़ी नफीस, बड़ी खुश खातून लगती है, बहुत नफीस। नेवर हैड द चांस टू मीट हर इन पर्सन, लेकिन वो कमाल। अच्छा जी, बुशरा अंसारी, वाओ, हमारा फख्र, नो डाउट, फख्रे पाकिस्तान बुशरा अंसारी। और और कितना प्यारा दिल है इनका, शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते कि बुशरा आपा बहुत ही हसास दिल की मालिक हैं। काम की बात करें तो काम उनका ऐसा, पीटीवी पे जिस ज़माने में कभी किसी ने मेल गेटअप नहीं किया था, इन्होंने एक गाना किया, हम लोगों के दिमाग उड़ गए थे, इतना मज़े का गाना, फिर पैरोडीज, ये बुशरा अंसारी, बुशरा आपा, शी इज़ अ क्वीन ऑफ मीडिया। Queen of Media, very good. Saba Hamid. Saba बहुत intense artist हैं और जैसा मैंने सबा को पाया, सबा बहुत नाजुक है, she is very delicate from inside. और artist तो कमाल ही है। ठीक है, आपको वैसे सबा जी serious acting में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, comedy उन्होंने भी की है, timing भी उन्होंने की है, ऐसी मज़े की comedy, और वो समझती भी बहुत अच्छे हैं कॉमेडी को और वो करती भी बहुत अच्छी है। टाइमिंग कॉमेडी की बहुत मजे की, बहुत मजे की, बिल्कुल सही। अस्मा अब्बास, अस्मा अब्बास तो एक कंप्लीट पैकेज है, आप इनसे गाना सुन लीजिए, आप इनसे, ये डांस बहुत अच्छा करती हैं, खूबसूरत, बहुत प्यारी सी हैं, और एक्टिंग तो आप लोग देख रहे हैं आजकल, ऐसी जबरदस्त एक्टिंग, हिला देने वाली, बिल्कुल सही। अच्छा, एक एक चीज आप इन सब में से चुरा सकती हैं, उठा सकती हैं, क्या चुराएंगी? अतीका ओडो से क्या चुराएंगी? मेकअप तो उन्होंने वैसे ही मुझे गिफ्ट किया था। हाँ। बाकी जो अतीका के पास है वो अतीका के पास अच्छा लगता है। हाँ। लेकिन इनका कॉन्फिडेंस, बोल्ड,
बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, हाँ बहुत खूबसूरत। अच्छा हिना से क्या चुनाएंगे? फिर नफासत। नफासत। बुशरा अंसारी से क्या चुनाएंगे? Variations. Variation, versatility. Versatility. Sabah Hameed से क्या सुनाएंगे? इनकी comic timing. Timing, very good. अच्छा, Asma Abbas से क्या सुनाएंगे? इससे मैं इसकी आवाज चुनाऊंगी, बहुत प्यारा गाती हैं। अच्छा, और गाती तो आप नहीं है, मैंने सुना है। मैं अभी नहीं गा सकती इसलिए कि मुझे पिछले दिनों बुखार हो गया था, टाइफाइड टाइप की। मैं हमने आपका गाना सुनना है, भले जैसी भी आवाज है। और थोड़ी देर के लिए किचन में तशरीफ ले आइए, इसलिए कि हमारी सामिया जी ने हमें जो खुशखबरी दी है उसके मुताबिक मतलब आप दोबारा से क्या करूं, खाना जिंदगी, खानगी जिंदगी जो है उसमें है सामिया। नहीं, मुझे तो पेशी में गलत नसीब का इंतजार है, और जो अगर मुझे देख रहा है तो ये पराठे खाने के लिए अब ज्यादा हम वेट नहीं कर सकते, घर वाला पराठे खाए, घर वाली के पक्के में पराठे पकाने का। तो मैं एक्सक्यूज कर लेती हूँ साफ साफ। नो, आप करेंगी खिदमत, ये आपका जायचा बताता है, आप बड़ा पैम्पर करने वाली हैं अपने रिश्तों को। बात सुनिए, मेरा दिल पजीर के हाथ के पराठे, इस बुढ़ापे में अब मैं किसी की खिदमत नहीं कर सकती। अच्छा नहीं, वैसे आप करना है पराठा बनाना, पराठा बनाऊं? हाँ, आग जली भी है। कितने बनाए हैं वैसे आज तक? कितने बनाने? अरे लो, दिन रात पराठे। अच्छा, और आखिरी पराठा कब बनाया था? आखिरी पराठा बनाया था मैंने आने से पहले, है यहाँ पर अपने कहना चाहिए, जब मैं कराची से यहाँ आ रही थी। अच्छा ठीक है, मैंने कहा अभी सुबह बना के आएंगे पराठा। नहीं नहीं, कराची यहाँ तशरीफ लाने से पहले। अच्छा हीरा जी, कुछ गुनगुना किचन, एक होती है बाथरूम सिंगिंग, होती है खवातीन की किचन सिंगिंग, जब आप अच्छे मूड में किसी के लिए खाना बना रहे होते हैं और किसी का इंतजार कर रहे होते हैं और मूड भी अच्छा होता है, तो ऐसे बंदा गुनगुनाता है ना कोई? हाँ, वो भी मूड से होता है ना, ऐसी ऐसे थोड़ी हो जाता है। इतनी खुशखबरी वो दे रही है आपको सामिया, इंशाल्लाह समथिंग कुछ सुनाइएगा। अच्छा वैसे मुझे ही पता है सामिया जी जी, आप वाकई इतनी एक्साइटेड क्यों हैं इस बात को लेकर? अच्छा लगता है, जो लोग जो डिजर्व करते हैं रिश्ते के, आप जितनी आपके अंदर वफा है, जितनी आप मेरे जिंदगी में बहुत प्यारे रिश्ते हैं जिनके लिए पराठे बना के मुझे बड़ी खुशी होती है। सही। अरे को गुनगुनाएंगी हिना जी? गुनगुनाए मेरे साथ कोई, मुझे कोई बताए आपका फेवरेट। ये आप पकड़े जरा भाई, इसका ये शॉर्टकट है। ओह गुड, ये मेरे घर की टिप है, मैं हमेशा इसे ऐसे फंसा देती हूं। पराठे बनाती हैं आप? अरे सारा कुछ सब बनाती हूं। सुना है कढ़ी भी बहुत अच्छी बनाती हूं। कौन, परा? अरे वाह भाई, बना देती हूं। अच्छी की किसी चीज की शर्त नहीं है, एक मुझे बन सारा कुछ जाएगा। छुरी चाहिए है? छुरी चाहिए? अच्छा पराठे में छुरी चाहिए? हाँ, छुरी ला के दे भी जल्दी से। अच्छा वाकई ये कोई खास किस्म का पराठा बनने लगा? ये एक बहुत मजेदार और खूबसूरत पराठा होता है और बहुत जल्दी बनता है। वेरी गुड। तो क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें एक साथ करनी होती है ना, बाहर गाड़ी खड़ी हुई है, वहाँ पर फोन जा रहा है। तो हिना जी कराची से आते जो पराठा बना था वो किस खुश बेटे के लिए? जी हाँ, वो बेटे ने खाया था मेरे। और आप खुद भी शौकीन है? खाने की तो इतनी नहीं, मतलब बनाने की, कम हो और अच्छा हो। ठीक है। अच्छा हिना जी, सासू माँ कैसी है वैसे आप? ये तो आप बहू से पूछें। नहीं, कुछ आप भी तो अपनी तारीफ शान बयान करें ना, कि मतलब आप सख्त हैं। कहते हैं जो अकेली माएँ होती हैं ना, बड़ी सख्त गिर सासें बनती हैं। मुझसे भी अक्सर लोग कह रहे होते हैं आप तो बड़ी जालिम सास होंगी। मैंने कहा भाई होने तो दो, हाँ देखेंगे। मगर मुझे ये नहीं समझ में आता कि, अच्छा बहू के लिए आप पूछ रही थी ना? हाँ जी। तो मुझे पहले जब मेरा बेटा था, शादी नहीं हुई थी उसकी, तो मुझे लगता था कि मेरा एक बेटा है, तो अब मुझे लगता है ट्विन्स हैं। दो बच्चे में बहू भी बेटा ही लगती है आपको? वो एक बहुत ही मजेदार बच्चा है। अच्छा देने? अच्छा उन्होंने कांटे से ही काम चला लिया है ना जी। सामे की कम से कम एक बात जो है वो बिल्कुल सही है, इंतहाई सुगरापा जो है वो देखिए वो तो हमें नजर आ रहा है। वो असल में वक्त की वजह से आ गया, वरना इतना होता नहीं है। आपने इसको ऐसे रोल कर देना है। ठीक है जी। हाँ, वो जो आपने लच्छेदार पराठे का नाम सुना होगा, हाँ, तो ये हैं वो लच्छेदार पराठे जैसे आप खाने जाते हैं, और इसके एक एक बल अलग होता है। वाह, ये आपने कब से सीखा हुआ है ये सारा कुछ? तो सारे सीक्रेट्स नहीं बता सकती। अच्छा हिना जी,
اکثر خواتین جو ہے نا وہ خواتین کے بارے میں بڑی کرول رائے رکھتی ہیں, کہتی یار کچھ تو مطلب مسئلہ ہوتا ہے نا, جبھی تو سارا کچھ ہوتا ہے, ہم تو بہت, لیکن اگر آپ کمپرومائز کر لیں تو آپ کی زندگی اچھی گزری جاتی ہے. یو ایگری وتھ دیٹ؟ جی دیکھیں, چھری نہیں تھی تو کانٹے سے کام چل گیا. نہیں, میں زندگی کی بات کر رہی ہوں, میں زندگی کی بات کر رہی ہوں کہ نبھانا چلانا, از دس دا سول ریسپانسبلٹی آف اے وومن؟ نہیں نہیں, ایک عورت کو ہی یہ کرنا چاہیے. دیکھیں یہ سارے وہی تو میں کہتی ہوں جینڈرز میں بانٹ کے, تم نے یہ کرنا اور تم نے یہ, زندگی کو مل کے خوبصورت بنایا جاتا ہے. بالکل صحیح. ویسے نہیں بنایا جا سکتا, ایک بندہ کچھ نہیں کر سکتا جب تک سب لوگ کوآپریٹ نہیں کریں گے. واہ یار, لچھے والے پراٹھے کی اتنی زبردست ریسیپی آپ نے پہلے دیکھی ہے؟ اتنی آسان سے میں نے نہیں دیکھی, میں نے بھی فرسٹ ٹائم. اور جب یہ بن جائے گا تو بہت مزے کا بنتا ہے, ہے اس کی بات ساری یہ. اچھا, ویری گڈ. اور ہنا جی کیا وہ آئل پریفر کرتی ہیں پراٹھے کے لیے؟ دیسی گھی میں بننا چاہیے اس کو. دیسی گھی میں بننا چاہیے پراٹھا. اچھا, لیکن گھی دیسی ہی ہو. کون سی زندگی کا فیز آپ کا جو ہے آپ سمجھتی ہیں سب سے بہترین ہے؟ ہمیشہ پریزنٹ بہترین ہوتا ہے جس میں آپ زندہ ہوتے ہیں. کیونکہ فراجی یہ پریزنٹ ہوتا ہے, یہی اللہ کا پریزنٹ ہے. کیونکہ وہ بیت گیا, وہ چلا گیا, آنے والے پہ اختیار نہیں ہے. واہ, وہ گزر جاتا ہے, اس کا ہی خیال رکھنا چاہیے. جس لمحے میں زندہ ہیں اس کو جی لیں اس کے تقاضوں کے ساتھ. جتنا اچھا آپ نے پراٹھا بنایا, آپ کو کسی کے ہاتھ کا تو پسند نہیں آتا ہوگا. ہاں یہ ذرا میری ایک پرابلم ہے, یہ برائی ہے میرے اندر, ہے نا. پھر آپ تو اپنے ہاتھ کا ہی آپ کھا کے آپ کو چین آتا ہوگا کہ یار یہ ہوتا ہے پراٹھا. دیکھو میں تمہیں بتاتی ہوں پراٹھا کیا ہوتا ہے. جیسے مجھے لگتا ہے کوئی کہتا ہے میں آپ کو یہ بنا دوں تو میرے پہلے اندر سے وہ آتی ہے بات, یہ نہیں صحیح بنا. اچھا, تو بہو کو پھر آپ مطلب کام کاج میں انٹرفیئر کرتی ہیں کہ دیکھو یہ ایسے کرنا ہوتا ہے اور یہ چیز ایسے ہوگی اور میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ یہ معاملہ ایسے ہونا چاہیے. 18 سال کی تو تھی جب اس کی شادی ہوئی تھی. ہاں, تو ابھی تو وہ اے لیولز کے ایگزام دے رہی ہے, تو اس کو میں کیا کہوں کہ تم پراٹھا بناؤ. اچھا, تو پراٹھا پھر آپ ہی بناتی ہیں؟ ہاں, دونوں بچوں کے لیے. کیا بات ہے, اتنی جلدی بیٹے کی شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بیٹے کی شادی کرنی, اس کو تھوڑا جلدی کر دینی چاہیے کیا؟ نہیں دیکھو یہ ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن. دوستی ان دونوں کی بہت تھی, انڈرسٹینڈنگ بہت تھی, بچی اوپر رہتی تھی یہ نیچے رہتے تھے ہم. تو بس پھر یہ ہوا کہ آپ نے کہا چلو ساتھ ساتھ ہی رہ لیتے ہیں, اوپر نیچے جو رہنا ہے. ہینا جی, آپ نے نہیں کہا میری پسند سے شادی ہوگی, میں نے اپنی زندگی تمہارے نام کی ہے, تمہیں پالا ہے. اس قسم کی فضول باتیں مجھے بالکل بھی نہیں پسند. اچھا, نہ اور میرا بیٹا جو ہے وہ اس سے کبھی میں یہ حساب نہیں لوں گی. اپنی محرومیوں کا یا اپنی قربانیوں کا صلہ اس سے نہیں مانگی, کبھی بھی نہیں. اور قربانیاں کیسی, میری ڈیوٹی تھی. ہاں, بل والے پراٹھے کے سارے بل جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. اور اس کا نام, ہاں اس کا نام ہم رکھیں گے کیا, دل پذیری پراٹھا. دل پذیری پراٹھا جو ہے یہ آپ آج ہی بنائیے گا, انجوائے کیجیے گا. اینڈ لیٹس ٹیک اے ہینا جی, اب ہم نے بریک لینی ہے. ہاں, آپ کی ایک فرمائش کریں گے صرف, مومو اسٹائل میں بریک لے لیں. مومو اسٹائل کی بریک جو ہے وہ آپ لیں گی. کون سا کیمرہ؟ یہ والا. چلو سارے بریک لو جا کے, ہیں ابھی آتے ہیں ہم. خوش آمدید, اب باری ہے کرسٹین کی. یہ ایک خوبصورت سا برانڈ جو آپ کو خوبصورت بنا دے گا. اور اس برانڈ کی خاص بات یہ ہے جو درخشا ہمیں ابھی اپنے انداز میں بتائیں گی, مارکیٹنگ مینیجر ہیں کرسٹین کی. آئی ویلکم یو. اور آپ کی ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں, ان کو بھی میں ویلکم کروں گی. آپ رافقہ اور ہما, اور آج آپ دونوں ہمیں ولیمہ برائڈ کا میک اپ جو ہے بتانے والی ہیں. اچھا درخشا, مطلب کرسٹین کی تھوڑا سا تعارف کرائیں ان لوگوں کے لیے جو آج آپ کو دیکھ رہے ہیں. اچھا, کرسٹین ایک تو یہ ہے کہ یہ ہم لوگ 2004 سے ہیں, یعنی ایٹ لیسٹ ہمیں 15 ایئرز ہو گئے ہیں. ویری گڈ. باقی یہ کہ یہ ٹوٹل پاکستانی برانڈ ہے, اس کا کچھ را مٹیریل جو ہے وہ ہم کچھ یورپین کمپنی سے امپورٹ کرتے ہیں, اور مکسنگ اور سب یہاں اس لیے کرتے ہیں کہ ایوری تھنگ از حلال.
इवन के जैसे कल बात भी हुई थी कि ब्रशेस तक के जो हेयर हैं वो हलाल एनिमल से लिए गए हैं, ठीक है, तो ये ज्यादातर चीज है और हम लोग वाहिद शायद पाकिस्तान में हैं जो मैन्युफैक्चरर हैं। बिल्कुल सही। और ऑल ओवर पाकिस्तान भी हम काम कर रहे हैं, हमारा सामान आउट ऑफ कंट्रीज भी जा रहा है। और एक चीज रक्षा मिस कर रही हूँ, मैं आपको बता दूं, आउट क्लास क्वालिटी इनकी, जितनी कम कीमत आप सोच सकते हैं एक अच्छे स्टैंडर्ड की क्वालिटी प्रोडक्ट्स की, वो क्रिस्टीन में आपको मिलेगी। सो हम रलीमा मेकअप जो है वो आज शुरू करेंगे। और देखिए आपके सामने आज हिना दिलपजीर भी बैठी हुई हैं। हिना वैसे कितना आप मेकअप फ्रीक है या मेकअप लवर है? अरे उंगलियों से भी हमने करते देखा मेकअप रूम में। हाँ, कितनी मैं गाड़ी में भी कर लेती हूँ मैं। ये खुद मेकअप किया है अपना। और कोई कॉन्शियस नहीं है कि यार यहाँ जाने में कैसी दिख रही हूँ, फल्ला में ठीक लग रही हूँ, नहीं कभी भी नहीं। अच्छा कौन सा कॉम्प्लीमेंट अच्छा लगता है, कोई कहे कि आप क्या हसीन? मैं नहीं, ये वाला कॉम्प्लीमेंट मुझे लगता है कि झूठ बोल रहा है। अच्छा हाँ, क्या हसीन भाई, बहुत खूबसूरत खूबसूरत। और वही बात है कि अगर कोई अंदर से समझ ले कि व्हाट अ ब्यूटीफुल पर्सन यू आर, वो मुझे बड़ा कॉम्प्लीमेंट लगता है, अच्छा लगता है बिल्कुल। और बाकी मेकअप का भी मुझे लगता है अपने आप को ठीक रखना जरूरी होता है और वो आना भी चाहिए। वो आना भी चाहिए बिल्कुल सही। और क्रिस्टीन आपको बताने लगा है आज उनकी टेक्निकल एडवाइजर्स कि वलीमा का मेकअप जो है वो कितना खूबसूरत क्रिस्टीन के साथ हो सकता है, और अगर आप घर में किसी शादी पर खुद करके जाना चाहें तो आप इस मेकअप को अडॉप्ट कर सकते हैं। मैं आपकी एक ग्लो स्टिक यहाँ पे मुसलसल देख रही हूँ जी, जो मुझे बड़ी फैसिनेट कर रही है, वो क्या चीज है? वो हमारी एक क्रीमी हाइलाइटर है। क्या आगे जो प्रोडक्ट्स पड़े हैं उनमें पड़ा हुआ है जी, उसमें तो उसमें प्लीज दिखाइएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये आपको तो खुद बड़ा शौक है मेकअप का, सामने आए ना कि ये क्या करता होगा भला? ये है। अच्छा ये ठीक है, और इससे क्या होता है? ये ज्यादातर टी जोन एरिया पे हम इसको हाईलाइट करते हैं, जैसे कल आपने देखा था कि हमने ब्रॉन्जर यूज किया था, तो ये हमारा क्रीमी हाइलाइटर है, ठीक है। और इसमें डिफरेंट शेड्स, डिफरेंट शेड है, जिस शेड का आप हाइलाइट करना चाहें जी वो उस तरह का हाइलाइट। और हम इसे थोड़ा बहुत आई पे भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये इतना क्रीमी फॉर्म में है, और खासतौर पे जो ड्राई वेदर है उसमें बहुत ही अच्छा रहता है। और आजकल चूंकि बहुत शाइनी बाजू का, हाँ, आजकल बहुत हाई चीक बोन चाहिए होती है, तो उसके लिए भी ये बहुत, क्योंकि बहुत ग्लो इफेक्ट चाहिए आजकल। इसको बेस में शामिल कर दें, बेस में भी कर सकते हैं शामिल, अगर जब हम डर्माएक्स लगा रहे हैं या पेंट स्टिक तो उसमें भी शामिल कर सकते हैं, तो ऑल ओवर फेस ग्लो आएगा। वरना अगर हम सिर्फ टी जोन पे कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ज्यादातर करते हैं। बिल्कुल सही। चलो जी, वलीमा मेकअप जो है वो हम शुरू करेंगे। क्या सबसे पहले आपने बेस बना ली? इनकी बेस डर्मा से बनी हुई है, आईब्रो शेपिंग करी हुई है। अब यहाँ पर सिर्फ मैं इनकी फेस कॉन्टोरिंग करूंगी। सही। और कॉन्टोरिंग के लिए आप किट नंबर 3 और 2, किट नंबर 3 से थोड़ा सा साइड पे लगा के उसे नंबर 2 से हम ब्लेंड कर देंगे। किट नंबर 3 से ये जो एक लाइटर कलर है हम इससे फेस इनकी थोड़ा सा अच्छा, जो फेसेस इतने छोटे होते हैं जैसे इनके फेस पे को बहुत कॉन्टोरिंग की जरूरत नहीं, 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 नहीं। थोड़ा सा पिक्चर विक्चर आती है तो उसके लिए थोड़ा सा फीचर को एनहांस करना अंदर। बिल्कुल सही, ठीक है। तो एक कट जो है उसको रुमाया करने के लिए, इवन अगर आपके फेस पे जरूरत नहीं है तो ये किट नंबर 3 जो है वो यूज हुई, और उसका ये वाला शेड जो है वो इन्होंने कॉन्टोरिंग के लिए यूज किया है, ताकि आप जब लेने जाए तो आपको भी ये इफेक्ट अगर ले रहा है तो किट नंबर 3 क्रिस्टीन की जो है वो यूज हो रही है। ओके, आप 2 से ब्लेंड कर रही हैं? 2 से ब्लेंड, 2 से ब्लेंड। हिना जी कितना का आप नजर रखती हैं? खौतीन की एक आदत है, कौन सी लिपस्टिक लगाई है, ये बेस कौन सी लगी हुई है? मगर टेक्निक्स ये पता करना और इस ये पता करना कि अपने ऊपर ये बेस अच्छा लगता है। आप बिल्कुल गुलाबी बेस में लगा लूँ या चिट्टा बेस लगा लूँ तो मैं बहुत बुरी लगूंगी, ये पता करना, ये पता रखना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बिल्कुल सही। सो आपके सामने उन्होंने कितनी अच्छी तरह से कॉन्टोर कर लिया, और कॉन्टोर का जो इनका मूवमेंट है ना, मुझे आपका मूवमेंट बड़ा पसंद है जिसके साथ आप करती है ना, आप इसको मतलब राउंड करते हुए, आप कोई सीधी ऐसे करके लाइन नहीं लगाती है, प्रॉपर एक लाइन बन जाती है, और हमें लाइन नहीं चाहिए बल्कि ये है कि ब्लेंड हो, ठीक है। तो ये एक टिप टेक्निक जो हिना ने अभी बात की है। अच्छा, नोज कॉन्टोरिंग किस शेड से कर रही है? 2 से। ये भी किट 2 से ही जी? आज इनके फेस पे जो कॉन्टोरिंग हुई है सारी किट 2 से हुई है? 3 से और 2 से, 3 और 4 से इनकी आईब्रो शेपिंग हुई है। अच्छा, 3, 2, 3, 4 ये कॉन्टोरिंग की किट्स है ना, आई थिंक ये दो किट्स मस्ट हो गए। हाँ, ये जो 2 और 3 के लिए भी चाहिए, और 2, 3, 4 ये 3 किट्स रहे तो बड़ी कमाल है। ये इससे आप आई शेड भी कर सकते हैं समटाइम्स,
कॉन्टूरिंग भी कर सकते हैं, इसको बहुत सारी जगहों पे यूज कर सकते हैं, लाइक आपके ग्रे हेयर्स हुए में तो 4 नंबर से उसको भी टच अप कर सकते हैं. वेरी गुड, ये हम अक्सर कर रहे होते हैं, सबसे अक्सर कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको नहीं टाइम मिलता बाज़ुकात रूट टच करने का, या जा रहे हैं तो अचानक से दो बाल जो है बीच में से, तो आप उसको आराम से शाइन कर रहे होते हैं व्हाइट पे, तो बहुत अच्छा वो उसको कवर कर लेता है, कर लेता है बहुत ही. तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके पास ना इमरजेंसी एड के तौर पर पड़ी होनी चाहिए हर वक्त भेज सकते. थोड़े से बाल कम है, यहाँ गैप आ रहा है, यहाँ गैप, तो उसको भी फिल कर देते हैं. हाँ दरक्षणा, बिल्कुल एग्जैक्टली, ये भी हम कर रहे होते हैं. वो आपने याद दिलाया तो याद आया कि ये सब कुछ जो है इन सब चीज़ों में बड़ा इफेक्टिव है. एंड ये बहुत अच्छा सा नोज कॉन्टोर हो गया, और सिर्फ कॉन्टोरिंग से ही आपने देखा इनके फेस पे कितना अच्छा सा इफेक्ट आ गया, उसकी उसके एंगल्स एनहांस हो गए हैं ना. मुझे तो कॉन्टोर हो जाए फेस प्रॉपर और अच्छी कॉन्टोरिंग किट से हुआ हो तो आप यकीन कीजिए आपका एक ना एक लुक ही बदल जाता है, चेंज हो जाता है, फीचर बहुत अच्छे एनहांस हो जाते हैं. अच्छा थोड़ा सा ब्लश ऑन अप्लाई कर रहे हैं इनके. अच्छा ब्लश ऑन कौन सा अप्लाई किया? ये मैट कर 855. अच्छा लेडीज आपने इनका ब्रश की मूवमेंट बड़े ध्यान से देखनी है, बिकॉज ये जो जिस तरह से ब्रश चला रही है ना, ये उसके साथ ये जो एक इनके चेहरे के ऊपर इफेक्ट आता है ना, क्रिस्टीन के टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो है ये आपको बता रहे, प्रोडक्ट तो आप ले लेंगे मार्केट में जाके, ये जो आपको ट्यूटोरियल मिल रहा है ना ये बड़ा काम आएगा उसको अप्लाई करने में और उसको यूज करने में. अच्छा जी, सो अब वी आर डन विद हाइलाइटर. आई लव यू दिस हाइलाइटर. ये वलीमा के लिए, कल हमने ब्राइडल में हमने गोल्डन यूज किया था और आज हमने ये सिल्वर यूज किया. क्रिकेट के ड्रेस में भी इसी टाइप का इफेक्ट आ रहा है, डीप पिंक है, तो ये इसी वजह से ये हम हाइलाइटर दे रहे हैं, इसलिए इतनी सारी जो है वो शेड्स मौजूद है, टेराकोटा में भी और प्लेन ब्रॉन्जे में भी. और ये टेराकोटा आपने ले लिया है, और टेराकोटा का ये जो हाइलाइटर है साम्या, बड़ा ही कमाल इफेक्ट है इसका. आप अभी इसको स्क्रीन पे भी देखना, हाँ इसका ना इफेक्ट बहुत अच्छा है. इनके लिप पे भी लगाए इस तरह से थोड़ा सा पाउच करने के लिए. इसका नाम टेराकोटा. ब्रॉन्जे है और टेराकोटा, क्योंकि इसमें टू कलर इफेक्ट आ रहे हैं. बिल्कुल सही, और ये जिस जगह पे अप्लाई कर रही है और जैसे अप्लाई कर रही है वो भी इम्पोर्टेंट है. फैसिनेट करती है जो मॉडल जो वो ग्लो कर रहा होता है उनका मेकअप, तो ये वही ग्लो जी वही आ जाएगा एकदम इनके जी. इसी से यार जी, इसी से. अच्छा जी, सो अब एक अच्छा फिनिश नंबर 2 से इनके जो डार्क कलर है आईज के नीचे, आईज को पकड़ो. अच्छा ये हर एक की आंख के नीचे ये लगाया जा सकता है? जरूरी, सम टाइम लाइनें बहुत आ जाती है और थोड़ा सा पफी है, क्योंकि अगर हम आईलाइनर या काजल आंख के नीचे लगाते हैं तो थोड़ा शार्प हो जाता है, और ये यंगस्टर है तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है ये ब्राउन कलर से. ये क्रिस्टीन की किट नंबर 2, यकीन करें अगर आपके पास नहीं है तो आप खूबसूरत दिख ही नहीं सकती है, क्योंकि इतना सस्ता यानी इकोनॉमिकल, इतनी अच्छी क्वांटिटी का, इतने अच्छे कलर के साथ जो आपके हमारी. मुझे आपकी एक चीज़ अच्छी लगी है दर्शना, बहुत ज़्यादा बाहर से भी हम कॉस्मेटिक लेके आते हैं, जब हम अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं तो उनके कलर कुछ और हो जाते हैं. वो इसलिए कि उनकी स्किन टोन डिफरेंट है, हमारी एशियन की डिफरेंट स्किन टोन है. आपके जो कलर पिगमेंट है वो हमारी एशियन स्किन पे बहुत कमाल बैठते हैं. मैन्युफैक्चरिंग में इसी चीज का ख्याल रखा गया है कि यहाँ का वेदर और यहाँ की स्किन टोन पे हम चले. बिल्कुल सही. सो आपके नीचे ऊपर देखो कि आप सिर्फ आंख के नीचे एक हाइलाइटर इन्होंने ये किट नंबर 2 जो है इनकी कॉन्टूरिंग की क्रिस्टीन की वो अप्लाई की है, और सामने देखो अगर आप कैमरे में तो आप देख सकते हैं आंख के नीचे एक बड़ा ड्रामेटिक सा, एक बड़ा रोमांटिक सा, एक बड़ा खाबीदा सा इफेक्ट जो है वो आ गया है. क्या बात है ना जी, इस पे शेर हो जाए, एक शेर हो जाए. आंखें उनकी वो उसकी आंखों को कभी गौर से देखा है फराज, रोने वालों की तरह जागने वालों जैसी. वाह वाह वाह. सो ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम हिना जी को बिल्कुल गप्पे नहीं लगाने देंगे सामिया से, क्योंकि हम हिना जी से एक खूबसूरत गाने की फरमाइश और करते हुए ब्रेक पे जा रहे को गाना सुनाए प्लीज. देखिए कितनी बड़ी उनके मामों की तरह चल के दिखाए. अच्छा डायलॉग बोल दें. अच्छा एक हिना जी चुप है. चले हम ब्रेक लेंगे, हम ब्रेक के बाद फिर मिल रहे हैं.
خوش آمدید اور ہم آپ کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں کرسٹین سے. آپ کو انٹروڈیوس ہونا چاہیے, 15 سال سے یہ برانڈ جو ہے پاکستان میں کام کر رہا ہے اور پاکستانی اسکن ٹون کلر پرابلمز گرمی ٹیمپریچرز ہماری لائک ڈس لائک کے مطابق ان کی پروڈکٹس ہیں جو کہ بالکل انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ہیں اور قیمتیں اس کی پاکستانی ہیں. یہ بڑی کمال بات ہے. درخشان ان کا جو کنٹورنگ ہے ہمیشہ سے وہی استعمال کرتی ہے. دیکھا یہ ہم سب کا کامن ایک وہ ہے. ہماری پسند کنٹورنگ میں کرسٹین ہے اور آپ کی کرسٹین obviously. سو ایک آنکھ کا میک اپ ہم نے کر لیا ہے بریک میں اور ولیمہ میک اپ آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کرسٹین کی پروڈکٹس کے ساتھ کرنا. آپ دوسری آنکھ کے میک اپ پہ اگر آپ فوکس کریں گے تو آپ کو پورا پتہ چل جائے گا کہ کن چیزوں کی مدد سے کیسے یہ میک اپ کیا گیا. اور یہ سب سے پہلے میں آپ کو پرائمر کل بہت پسند آیا تھا. واہ واہ, یہیں سے میک اپ کرا لوں یہیں سے میک اپ کرا لوں گی ولیمہ کا. ایک ایسی خوبصورت چیز ہے کہ جب بھی بندے کو ملتا ہے نا بندے کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. تھینک یو ولیمہ کا اپوائنٹمنٹ لینے. ہماری ہینا جی کا بہت جلد خوشخبری متوقع ہے. بقول سامیہ خان, سامیہ خان بقول ان کے, یہ میری ریالٹی نہیں ہے. میں نے کسی وقت بھی 2017 والا جو سال ہے اور 19 کے ودن دی اپریل کسی وقت یہ دھماکے دار خبر اور مجھے خوشی کے موقع پہ نہیں بھولنا. اور اگر نہ ہوئی پوری تو پھر نہیں, اگر نہ ہوئی تو پھر میں اپنی امی سے ملنے چلی جاؤں گی امریکہ, کیونکہ ٹائم ایک ہی ہوتا ہے, ٹائم پیریڈ یا یہ کر لو یا وہ کر لو. تو آئی پریفر ٹو کسی سے تو ملنا ہے نا, امی سے ان سے نہ ملے تو ان سے ملے. امی کے ساتھ جو ہے نا وہ ملٹی پلائی ہو کے امی کے ساتھ ملنے جائے گی ان کے پاس کہ جو ہے عشیر وہ. اچھا اتنا کمال بلیک کلر ہے یہ آپ کا, یہ آپ جو لائنر یوز کر رہے ہیں یہ کیک, یہ بلیک کیک لائنر ہے 511 511. بھائی اس کیک لائنر کی کمال بات یہ ہے کہ یہ گرے نہیں نظر آتا, یہ بالکل بلیک ہے, جیٹ بلیک کلر جو ہے وہ دے رہا ہے. ریلی ریلی گڈ کہ وہ گریش سا نہ ہو جائے. یہ بڑی اکثر ہوتا ہے. اچھا ایسا تو نہیں ہوگا کہ چونکہ اتنی زیادہ کوانٹٹی میں ہوتا ہے اور ہم ایک دفعہ لے لیں تو ہمیں کم از کم 5 سال تک تو لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ اتنا ہے, یہ نہیں ختم ہوتا, نہ ایکسپائر ہوتا, یہ نہیں ختم. تو اس کا کلر بھی پھر گرے نہیں ہونا شروع ہو جاتا پرانا ہونے سے, بالکل رہتا ہے. اچھا میں نے بلیک کیک لائنر کے بعد یہ کانٹورنگ کٹ نمبر 4 سے ان کی اس کی بلینڈنگ کر رہی ہوں تاکہ یہ بالکل کوکو براؤن ہے ڈارک کلر کا. ٹھیک ہے, سو آپ دیکھ لیں ایک کانٹورنگ کٹ جو ہے وہ کتنے مسئلوں کا حل ہے. بال بھی آپ کے نکلے ہوئے ہیں, روٹس ہیں وہ بھی کور کر دے گی, کہیں تھوڑا بہت گنج پن ہے اس کو بھی کور کر دے گی. آپ کو کانٹور بھی اچھا سا مل جائے گا, آپ چاہیں تو آنکھ کے اوپر ڈیپتھ میں یوز کر لیں, نہیں تو آئی شیڈ میں یوز کر لیں. اچھا تھوڑا سا نیچے بنانے کے بھی کام آ جاتا ہے, سنا ہے بھی گیٹ اپ بھی خود اپنے میک اپ کرتی ہیں, اس میں بھی بہت مجھے اس کٹ نے بہت فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ وہ مجھے بھی بنا دے رہی. بہت مجھے اس کٹ کی وجہ سے سہولت تھی اپنے گیٹ اپ کرنے میں. ویری گڈ, سو گیٹ اپ میک اپ بھی اس میں کیا جا سکتا ہے. اچھا یہ شیڈ یوز کر رہی ہیں آپ اب اس میں اس کے بلینڈنگ کر رہی ہوں میں. اور یہ شیڈ کیا ہے؟ یہ 20 نمبر ہے اور یہ میٹ آئی شیڈ 20 نمبر جو ان کا ایک بڑا اگین ہائی لائٹڈ پروڈکٹ ہے کیونکہ آنکھ کے نیچے بھی انہوں نے یہی یوز کیا ہے اور اوپر جو لڈ کے اوپر وہ کر رہی ہیں ہائی لائٹ ساکٹ ایریا پہ وہ بھی اسی سے کر رہی ہیں. اچھا یہ بڑی خوبصورت گلیٹر بڑا کمال لگ رہا ہے, یہ گلیٹر ڈسٹ ہے. اچھا فرح میں ایک چیز ان لوگوں کو کہنا چاہوں گی کہ ہم مختلف شاپس میں جاتے ہیں مالس میں, مجھے ابھی تک کرسٹین کا مکمل رینج کہیں نظر نہیں آئی. جس طرح آپ ہمیں انٹروڈیوس کرا رہی ہیں نا اس طرح کمپلیٹ ٹریک میں نے نہیں کہیں دیکھا. ورنہ اچھا ہمارا سامان تو سبھی جگہ پر ہے, بس صرف ایک تھوڑا سا ایک ایشو ہے کہ وہ جو شوکیس ہے اس کو آپ لوگ سالو کریں. شوکیس پہ جو گرل کھڑی ہوتی ہے وہ کچھ ہمارے جو کمپنی کے باس ہیں ان کی پالیسی میں نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں رکھا ہوا ایسے ہی بکے گا. ایسے ہی بات میں ایگری کرتی ہوں کہ کوالٹی بتاتی ہے اور لوگوں کو کھینچتی ہے کہ یہ استعمال کریں. بری چیز کی کتنی بڑی پبلسٹی ہو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی.
और उनका ये है कि वो लड़की ही क्यों शोकेस करे। लेकिन देखिए हमें पता नहीं, अभी आपसे पता चल रहा है कि ग्लिटर्स भी हैं, ये शेड है जिसके साथ इन्होंने ब्लैक कलर का कॉर्नर जो है, वेबसाइट तो है ना जी, बिल्कुल इलेवन नंबर किस चीज का, ये आपके जो हाथ में आई शेडो, ब्लैक आई नंबर है, ब्लैक आई शेडो 11 नंबर, ठीक है। So ये भी एक और कलर्स है, और केक लाइनर का नंबर 511 है, और उसके भी हमारे 21 शेड है। अच्छा, सो डिफरेंट कलर के केक लाइनर्स भी हैं, गुड। सो ब्लैक कलर में आज खुल रहे टीवी ना, वही तो मैं कह रही हूं, सारी चीजें हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिली है फरा की वजह। अच्छा, एक और बहुत बड़ी बात है, खवातीन हस्बैंड का कबाड़ा करने की जरूरत नहीं है आपको खूबसूरत दिखने के लिए, रीजनेबल प्राइस। अगर आप 1000 रुपए भी लेके जाएं तो मेरा ख्याल है आप वो मेकअप अपनी किट तैयार करके ले आएंगी, जो आप उसमें मेरा ख्याल है कोई 3000 पार्टी मेकअप कर लेंगी, कोई 1000 आप नो मेकअप लुक्स हैं उसके साथ कर लेंगे, ऐसे ही नो मेकअप लुक, और ये सब कुछ 1000 की या 2000 की या 3000 की शॉपिंग में मुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है, ये हमारी आई बेस है, इसमें हम ग्लिटर और डस्ट दोनों से पहले ये लगाएंगे, ऊपर से ये अप्लाई करेंगे ताकि बहुत अच्छा सा होल्ड हो जाए, ये वाला इफेक्ट आ जाए जो इस आंख पे आया हुआ। सो आपने ये हाईलाइट एरिया दे दिया, ठीक है, आई बेस लगाई है, उसके बाद हम ये ग्लिटर लगाएंगे और ये फिर झड़ने तो नहीं लग पड़ेगा कुछ देर के बाद, इसलिए हमने बेस लगाई है कि वो बिल्कुल क्लियर बेस है, वो लगाने के बाद हम इस पे ग्लिटर भी लगा सकते हैं और स्पार्किंग डस्ट भी लगा सकते। बिल्कुल सही। अच्छा, ये कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे, जो आपने ना अपना टेराकोटा हाईलाइटर से ये जो यहाँ पे दिया, ये ब्रश यहाँ पे स्ट्रोक देने की क्या जरूरत है, थोड़ा सा पाउट करेगा। अच्छा, होंट खुद ब खुद आपके जो है जरा बड़े लगेंगे, ठीक है। सो हमने ये दे दिया ऊपर एंड आई मेकअप इज डन। अब हम इनको एक अच्छी सी लिपस्टिक देने लगे हैं, और लिपस्टिक के भी अगेन बहुत सारे शेड्स हैं वो अवेलेबल हैं, लिपस्टिक इनको देंगे और जब हम आएंगे ब्रेक के बाद तो आप कंप्लीट लुक जो है वो देख सकेंगे हमारी आज की क्रिस्टीन की वलीमा मेकअप, और उसके बाद हमने एक गाना भी सुनना है इनकी शादी का। हाँ, इनकी शादी, दुल्हन की शादी, दुल्हन की शादी का, सही। आप अभी सुनाना चाहें तो पहले हम उनकी मेहंदी का सुन लेते हैं फिर बारात का सुन लेते हैं। मैं इतनी 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 की कायल ही नहीं हूँ, एक निकाह होना चाहिए और एक वलीमा होना चाहिए, मेहंदियाँ शेहंदियाँ बहुत बेकार चीज है। अच्छा, आपने नहीं की बेटे की? नहीं नहीं, सिंपल निकाह रुख्सती, वो वलीमे में सारा गाना बजाना वो हुआ था, मगर अलग से कोई मेहंदी या ये नहीं था। वेरी गुड, ना मेरे पास टाइम था ना मैं चाहती थी। बिल्कुल सही। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आ रहे हैं फिर वापस। एक काम करते हैं, ये गाना मुझे बहुत पसंद है, तो उसने थैंक यू वेरी मच, तुमने गाना लगा दिया, मगर जरा वलीमे टाइप का गाना लगाओ ना, सिर्फ बेचारी को लगे कि मेरा वलीमा हो रहा है, कोई रोमांटिक सा, कोई बंदा नाजो अंदाज के साथ चले, कोई थोड़ा सा उसमें नखरे करें। ब्यूटीफुल मेकअप बाय क्रिस्टीन, इतनी अमेजिंग उसकी लुक आ रही है, इतना खूबसूरत ब्लैक आ रहा है जो आया आपने किया है, कमाल है। वार्डरोब आपने किसकी अरेंज की है दुल्हन की? मीनाकारी का है, कराची से। बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब कोई गाना लगाएंगे हम जरा वलीमा, ठीक है, एंड प्लीज। खुदाई मैं तेरा हूँ शेदाई, एक तू ही ना जाने माहिया, ख्वाहिशों की दुहाई धड़कनों में समाई, दिल तुझी को पहचाने माहिया, खुशबू तेरी जहाँ ढूंढो
ना हो मेरी अखियों से दूर मेरे चन माहिया मैं तेरे नाल नाल रहना मैं तेरे नाल नाल रहना मैं तेरे नाल नाल रहना माहिया मैं तेरे नाल नाल रहना मैं तेरे नाल नाल रहना मैं तेरे नाल नाल रहना माहिया. थैंक यू. कैसी लग रही है क्रिस्टीन की दुल्हन? बहुत अच्छी ना, बहुत प्यारी लग रही है. अमेजिंग कॉस्मेटिक्स, अमेजिंग ब्रांड और अमेजिंग प्राइसेस, जो सबसे आजकल के दौर में सबसे अच्छा वो लगता है जो सस्ता हो और अच्छा हो, है ना, जो आपकी दिल पे बोझ भी ना बने उसका. सो थैंक यू वेरी मच दर्शना फॉर शेयरिंग योर ब्रांड और उसकी क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमारे साथ. और इंशाल्लाह हम आपको बताते रहेंगे, आपने ट्यून रहना है एक नई सुबह के साथ, क्योंकि आपको ट्यूटोरियल्स के साथ क्रिस्टीन की डिफरेंट प्रोडक्ट्स का इंट्रोडक्शन जो है वो मिलता रहेगा कि आप मुख्तलिफ चीज़ें क्या क्या हैं, किस प्राइस में है और उनको कैसे आपने यूज करना है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच जी जनाब. आप ये देखें आप कितने क्या क्या फरमाइशें हैं भाई, फरमाइश लिस्ट सॉन्ग डायलॉग. अच्छा आर्टिस्ट को तो आप समझते हैं कि वो ना कोई वो है रोबोट. तो चलो वो चलना शुरू कर दे, उसका रुक जाओ, वो रुक जाए ना बेटा. ऐसी गायब होंगी ना मैं बच्चों, तुम लोगों को पता चल जाए. अच्छा महमूद साहब कौन बनेगा? नहीं मैं नहीं, महमूद साहब अच्छे खासे हैंडसम बड़े से आदमी बहुत प्यारे आर्टिस्ट हैं. अब इनमें से किसी को महमूद बनाएंगी तो मैं तो फिर रोने लगूंगी ना. सही. अच्छा सर इनकी एक फरमाइश पूरी बताइए. अच्छा सॉन्ग के अलावा? सॉन्ग के अलावा डायलॉग. जी डायलॉग. डायलॉग कौन से? मोमो का डायलॉग. हाँ मोमो के डायलॉग. तुझे बड़ा सकीना दिल चाह रहा है ना कि मोमो के डायलॉग तुझे सुनाऊं. देख ले, सुना दिया उन्होंने आपको मोमो का डायलॉग. मैं महमूद से आपको आवाज दे दें जी. मसूद. इतना इंडिजिनस कैरेक्टर पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत जमाने बाद आया है हिना दिलपजीरी साहिबा, जो अपना खालिस यहाँ का पैदावार है, वरना उधार मांगे हुए कैरेक्टर होते हैं हाँ हमारे सारे. तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. थैंक यू सो मच. और जाते जाते कुछ तेज सवाल आपसे कर लूँ जी? एक सांस के बगैर जवाब देना, फन जो जहन में आए. अब क्या होता है पता नहीं. योर फेवरेट एक्टर यहाँ का या वहाँ का? कहीं का. Anthony Queen. And खातीन में? खातीन तो हमें बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, मतलब वो सभी जो बोर्ड लगे थे वो सब. अच्छा, लेकिन खालदा रियासत मुझे बहुत पसंद. अरे वाह क्या बात, बहुत अच्छी क्या बात. अच्छा किसी जमान ड्रामे में अगर सियासी कोई खातून का किरदार अदा करने की चॉइस आपको मिले तो किसका करेंगे, कौन सी सियासी रहनुमा का कैरेक्टर? ये डिपेंड करता है कि किसका करवाना है तो उस पे ही काम होगा. अब अगर एक कोई आपके अंदर जो कभी कोई इंस्पिरेशन बनी हो सियासी खातून, वो जो होती ना एक खातून, उनका नाम मैं इतनी ज्यादा सियासी लोगों को जानती नहीं हूँ, तो बस वो एक खातून है उनका. फिरदौस आशिक एवान साहिबा है ना? Am I right? You are absolutely right. Okay, great. कोई रोल जो करने की ख्वाहिश बाकी हो क्या, ये करना है अभी भी? हाँ मेरा दिल चाहता है कि मैं एक बॉम्ब ब्लास्टर का कैरेक्टर. खुद कुछ हमलावर. अच्छा वेरी गुड. अच्छा कभी प्लान किया है कोई कि इंडस्ट्री में कब तक काम करना है, क्या क्या करना है, डायरेक्शन करनी है नहीं करनी? भाई आने का कोई प्लान नहीं था तो जाने का मेरे हाथ में कैसे होगा. जब तक टाइम है कर लेंगे, नहीं है तो चले जाएंगे. बिल्कुल. वंडरफुल टू हैव यू. थैंक यू सो मच. यू आर एन अमेजिंग पर्सन. हमेशा आपसे मिलना, जिस शख्सियत को देख के ना लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, उससे ज्यादा कमाल शख्सियत और कोई हो नहीं सकती. एंड यू आर वन सच पर्सन. आई लव यू. आई लव यू वेरी मच. थैंक यू फॉर कमिंग. थैंक यू फॉर जॉइनिंग. थैंक यू सो मच. और मैं चाहूंगी कि जाते जाते आपकी खूबसूरत शायरी के साथ हम आज के प्रोग्राम को वाइंड अप करें. अपना ख्याल रखिएगा. कोई एक कोई एक कथा, कोई एक गजल, कोई एक नज़्म. एक शेर सुना देती हूँ प्लीज. हाँ अपना ख्याल रखिएगा. इसके साथ ही हम साइन ऑफ कर जाएंगे. अल्लाह हाफिज़. जी इरशाद.
बिसात इश्क पे लुटती रहेगी दौलत दिल, बिसात इश्क पे लुटती रहेगी दौलत दिल, रहेगा सूदो ज़ियां का सवाल अपनी जगह। कदम न